हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका जय हिंद जय भारत वंदे मातरम कैसे आप सभी फ्रेंड्स सभी प्यारे दोस्तों को राम राम नमस्ते जय हिंद जय भारत वंदे मातरम यस बेटे लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है फटाफट से क्लास के साथ जुड़ जाएंगे आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत है हमारे यदवंशी सक्सेस पॉइंट परिवार में जो भी फ्रेंड्स हमारे शिष्य में आज पहले बनाए चैनल को सब्सक्राइब करना बेलाइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन पहुंच जाए धन सिंह स्वागत आपका संजय अखिलेश मोनू स्वागत आपका निशा पूजा सिंह बुराराम स्वीटी मिश्रा स्वागत आपका सुरेश आकाश वीके जी विक्की कुमार पूजा दांगी कैसे हो भाई दीपू कुमार स्वागत आपका आरके सिन्हा स्वागत आप सभी फ्रेंड्स का मनीषा स्वागत आपका अंश प्रजापति मीकू चौहान स्वागत पॉइंट में बुरा राम टाइम आकाश सिंह आर के सिन्हा स्वागत है राजीव यादव रेखा गुजर स्वागत है तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं आज का एक और नया बेहतरीन सेशन जिसके अंदर हम बात करेंगे आपके बेटा रीजनिंग के उन क्वेश्चनों की जो अब तक के एग्जाम में आपसे पूछे गए और आगे के एग्जाम में आपसे फिर से पूछे जाएंगे तो सभी बच्चे ध्यान से सभी क्वेश्चंस को अटेंड करेंगे 60 क्वेश्चंस की सीरीज रहेगी और 60 क्वेश्चंस में से आप मुझे लास्ट में कमेंट करके बताएंगे कि आज की सीरीज में आपके कितने सही हो ठीक है ना आज तुम्हारा स्कोर देखेंगे कि साठ में से आज तुम कितना स्कोर यहाँ पर लेके आती हो ठीक है ना साठ क्वेश्चन है मैंने साठ का हिसाब लिया अदरवाइज ये तो होने चाहिए एक सौ बीस आज तुम्हारे एक सौ बीस में से कितने नंबर आते हैं लास्ट में सभी बताओगे क्योंकि आपका फ्रेंड्स के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका एक सौ बीस का रहेगा बाकी सभी हैं उनका बेटा आपका किसी में पचास नंबर की रीजनिंग है किसी में बीस नंबर की किसी में दस नंबर की तो लेकिन आज का हम टारगेट लेके चलेंगे एक का प्रत्येक क्वेश्चन आपका दो नंबर का रहेगा ठीक है डेली सुबह आपके ग्यारह बजे शाम को साढ़े नौ बजे रहेगी आपके रीजनिंग की क्लास कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करे मैथ्स की क्लास रहेगी आपके फ्रेंड्स यहाँ पर है साढ़े यहां पर सुबह नौ बजे ठीक है ना मैथ की क्लास रहेगी सुबह नौ बजे कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करे आपके बेटा सुबह चार पैंतालीस पर करंट अफेयर की क्लास आपके लिए साढ़े छ्यूशन जिके क्लास शाम को साढ़े सात बजे रहेगी आपकी जिके क्लास और दोपहर में दो बजे रहेगी एक जीके क्लास तो कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करे वक्त पर क्लास में पहुंच जाए आपका फ्रेंड्स इनमें से चाहे आप किसी भी कॉम्पिशन एग्जाम की तैयारी करें जहां पर भी आपसे जीके जीएस करंट अफेयर रीजनिंग मैथ पूछा जाएगा हर जगह पर आपको फायदा मिलने वाला है तो सभी बच्चे अपनी तैयारी को बेहतर करें इसके साथ ही आपका व्हाट्सअप नंबर रहेगा नाइन फाइव मेरा व्हाट्सएप नंबर है भी फ्रेंड्स अपना नंबर WhatsApp में ऐड नहीं करा है आप फ्रेंड्स अपना नंबर WhatsApp में ऐड करा लेंगे YSP लाइव क्लास सर्च करके क्लास में आ जाएं करें और YSP लाइव क्लास ही आपके एप्लीकेशन का नाम है जो प्ले स्टोर पे मौजूद है जिसे आप डाउनलोड कर लेंगे ताकि फ्रेंड्स यहां पर अपने फाउंडेशन बैच का फायदा आप उठा सके इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स यहां पर जल्दी फाउंडेशन बैच है आपका जीके का इसके बाद में रीजनिंग का साथ ही फ्रेंड्स आपका हिंदी का स्टार्ट किया जाएगा अब तक के आपके जितने भी सेशन है उन सभी का रिकॉर्डेड सेशन भी आपको एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा आपके बेटा ई बुक्स हैं, ई बुक्स के साथ ही आपका फ्रेंड्स यहाँ पर पीडीएफ है पीडीएफ भी आपको वहां पर मिल जाएंगी ठीक है ना तो आप सभी चीजों का फायदा उठाएं और आपका फाउंडेशन बैच है वो बिल्कुल आपका लाइव रहेगा जिगे भी आपकी लाइव क्लास के रूप में फाउंडेशन बैच में दी जाएगी रीजनिंग भी आपकी फाउंडेशन बैच में लाइव में रहेगी तो फाउंडेशन बैच में जितनी भी आपकी क्लासेज होंगी वो सभी की सभी लाइव रहेगी इस बात को भी याद रखिएगा ठीक है तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन की प्रकाश रेशो में आपको दिया अंधा प्रकाश रेशो में अंधा में भाषण रेशो में क्या आएगा आपको फ्रेंड्स इसके बारे में तन है प्रकाश के रेशो में आपको क्या दिया अन्दा, कि अन्दा है वो प्रकाश नहीं दे सकता मतलब कि उसका विपरीत है जिस व्यक्ति जो व्यक्ति दिव्यांग है उसको दिखाई नहीं देगा तो आपका प्रकाश रेशो में अंधा तो भाषण रेशो में क्या आएगा गुंगा ठीक है ना भाषण रेशो में गुंगा क्योंकि गुंगा है वो बोल नहीं सकता तो वो भाषण दे नहीं सकता आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक जापान रेशों में दिया ग्रीन तितर जापान रेशो में क्या दिया आपको ग्रीन तितर। आपसे पूछ लिया कि भारत रेशो में क्या आएगा भारत में क्या आएगा? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में पता है सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कि जापान रेशों में दिया ग्रीन तितर भारत रेशो में क्या आएगा तो भारत के रेशो में आएगा मोर जिस प्रकार से जापान का राष्ट्रीय पक्षी क्या है बेटा जापान का राष्ट्रीय पक्षी है आपका बेटा ग्रीन तितर ठीक है उसी प्रकार से आपका फ्रेंड्स यहां पर भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है मोर और इसे राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा कब दिया गया था 1963 में ठीक है ना तो मोर को भारतीय पक्षी का राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा कब मिला 1963 के अंदर मिला आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यदि लैम एल ले, एम लैम को क्या लिखा जाता है आपका बेटा जे के जे वाई के सी लिखा जाता है तो आपसे पूछ लिया माइन को कैस, इस कोड में कैसे लिखा जाएगा माइन को हम इस कोड में कैसे लिखेंगे आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बता सबसे पहले क्या कीजिए नंबरिंग सबसे पहले क्या कीजिए नंबरिंग आपका फ्रेंड्स एल बारह ए एक एम तेरा ई पांच आपका फ्रेंड्स हो गया आपका फ्रेंड्स एम कितने पर तेरह पर आई नो पर एन चौदह पर ई e आपका पांच पर ठीक है जे कितने पर है दस पर है वाई पच्चीस पर है के आपका ग्यारह पर है सी आपका तीन पर है माइनस दो माइनस दो माइनस दो और माइनस दो हो गया सभी में माइनस दो माइनस दो ठीक है आपका फ्रेंड्स एम ए तेरह में से दो जाएंगे तो कितने बच के ग्यारह ग्यारह पर क्या आता है बेटा क्या आता है ठीक है आपका आई नौ नौ में से दो गए तो सात सात पर क्या आता है आपका बेटा जी आता है ठीक है तो ये तो सारे आपके कट गए एक ही बचा कौन सा ऑप्शन नंबर डी एक ही बचा कौन सा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है ना इसके बाद में आपका एन चौदह में से दो गए बारह बारह पर आता है आपका एल और पांच में से जब दो जाएंगे तो बच गया तीन और तीन पर आता है आपका सी ठीक है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बेटा के जी एल सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इज इट क्लियर सही है सबसे पहले आपको क्या करनी थी नंबरिंग करनी थी नंबरिंग करने के बाद में दो दो घटा के आंसर निकाल देना था सही है आज तुम लोगों को लास्ट में सभी बच्चों को यह बताना है आज एक तरह से मान के चलना कि तुम्हारा टेस्ट ही होने लग रहा है ठीक है आप लोगों को स्टार्टिंग में पांच से स्टार्टिंग में आपको पांच से दस सेकंड का समय दूंगी उसी के बाद में मैं क्वेश्चन को समझाना स्टार्ट करूंगी और आज तुम्हारा स्कोर क्या रहता है सभी बच्चे कमेंट करेंगे लास्ट में आपका फ्रेंड्स बीरबल बी आई आर बी एल बीरबल को लिखा जाता है आपका आर आई बी एल ए बी तो आपसे पूछ लिया डीजल को आप क्या लिखेंगे आपसे क्या पूछ लिया कि डीजल का कोड क्या होगा इसके बारे में आपको बताना है जिन प्यारे दोस्तों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद जो बच्चे हमारे बच्चे में लाइक काउंट को लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइकन को प्रेस कर लेंगे गौर से करें बेटा गौर से करें ध्यान से पहले क्या करनी नंबरिंग एक दो तीन चार पांच ये हो गया आपका? तीन दो एक चार ठीक है एक दो तीन चार पांच छ यहां पर उल्टा करना है तो डी आई यहां पर डी आई है इसको ई आई डी दी लिख दीजिए इसको एल ई एस लिख दीजिए ठीक है तो आपका बन गया ई आई डी एल ई एस आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक जाएगा ऑप्शन नंबर एक आपका राइट right आंसर हो जाएगा सभी बच्चे देख लीजिएगा ठीक है चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है यहां पर आप लोगों को एक क्या दिया है पूरा संबंध बताया है पूरा सिस्टमेटिक तरीके से लिख के दे दिया आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर मैं कौन सा ऑप्शन लगाऊं कि मेरे क्वेश्चन का आंसर सही निकले पहला आपको दिया है नो पांच सौ इकतालीस छत छो तेतीस नो चार क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क आठ आपसे बेटा पूछा है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है गौर से क्वेश्चन करें क्या होगा इसका राइट आंसर आपका फ्रेंड्स देखिएगा कि नौ छिके कितना हो गया चौम्मन नौ छिके बेटा कितना हो जाएगा चौम्मन होगा और पांच में से चार गया तो बच गया एक ठीक है आपका फ्रेंड से नौ को जब छह से गुणा किया तो नौ छिक चौमन आ गया और ये जो पांच चार आया ना इनमें से एक माइनस किया तो आपके पास बच गया एक ठीक है पांच सौ इकतालीस हो गया सही है आगे चलें। छह को जब सात से गुणा किया छसठ और इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो आपका बेटा छह में से तीन गए तो बच गया तीन ठीक है आगे चले आपका बेटा यहां पर चार अठे कितना हो गया बत्तीस और तीन में से दो को घटाया तो बच गया एक यानी कि आपका दो सौ इक्कीस राइट आंसर यहां पर तीन सौ इक्कीस क्या हो जाएगा राइट आंसर बात समझ में आ गई कि तीन सौ इक्कीस आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समझ में आ गया कि क्वेश्चन कैसे निकला है चले अगले क्वेश्चन पर आपको दिया सूर्य बृहस्पति और सौर प्रणाली ध्यान दीजिएगा आपको क्या क्या शब्द दिए एक दिया सूर्य दूसरा दिया बृहस्पति और तीसरा दिया सौर प्रणाली आपसे बेटा पूछ लिया कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपको फ्रेंड्स इसके बारे में है तो सभी बच्चे ध्यान से कीजिएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका फ्रेंड्स यहां पर क्या दिया तो सूर्य बृहस्पति और सौर प्रणाली यही क्वेश्चन दिया आपको तो यहां पर फ्रेंड से करेक्ट आंसर क्या होगा ये सौर प्रणाली सोलर सिस्टम हो गया ये क्या हो गया सोलर सिस्टम हो गया और सोलर सिस्टम के अंदर आपका फ्रेंड से ये आपका सूर्य हो गया और ये बृहस्पति हो गया है ना तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा इज इट क्लियर समझ में आ गई बात तो आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर एक राइट right आंसर हो जाएगा आपको दिया लक यहां पर क्या लकड़ी मैच दरवाजा तीन शब्द दिए एक तो लकड़ी दी दूसरा मैच दिया तीसरा दरवाजा दिया आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा लकड़ी मैच और दरवाजे का सही वेन डायग्राम आप किस प्रकार से इनबिल्ट करेंगे आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है जो अभी फ्रेंड्स आज सच में पहली बार आए आपको मैं फ्रेंड्स बता दूं कि प्रतिदिन शाम को साढ़े सात बजे रहेगी आपके फ्रेंड्स यहां पर जिकेगी क्लास एक क्लास रहेगी आपकी बेटा दोपहर में दो बजे और एक क्लास रहेगी सुबह आपकी साढ़े बजे तीन क्लासेस रहेंगी डेली आपकी जीके की तो जो भी बच्चे में पहले बनाए चैनल को सब्सक्राइब करना आइकन को प्रेस करना ना भूले फ्रेंड्स आपको वक्त पर क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये लकड़ी लकड़ी से कुछ मैच बनती हैं कुछ दरवाजे हैं है ना लकड़ी से कुछ मैच बनती हैं और कुछ दरवाजे बनते हैं तो आपका राइट आंसर क्या बना ऑप्शन नंबर डी बना आपका राइट right आंसर क्या बना ऑप्शन नंबर डी बना सभी बच्चे देख लीजिएगा क्लियर है समझ में आगे बात डी आपका राइट right आंसर हो जाएगा <coughs> आपको दिया यहां पर है चार तीन दो आठ बत्तीस आना चाहिए पांच तीन एक नौ चौबीस आना चाहिए आपका फ्रेंड्स अगला दे दिया यहां पर है सात तीन तीन सात सत्तर आना चाहिए इसके बाद में आपका फ्रेंड्स यहां पर नेक्स्ट वन दिया कि यहां पर नौ दो, दो नौ चार बारह क्वेश्चन मार्क इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा आपको इसके बारे में बताना है सभी बच्चे ध्यान से कीजिए गौर से करेंगे कि आपको क्या दिया पहले में चार चार के बाद में तीन तीन के बाद में दो दो के बाद में आठ इसमें हम क्या नियम लगाए कि हमारा फ्रेंड्स यहां पर बत्तीस आ जाए ठीक है ना आपका फ्रेंड्स यहां पर क्या आ जाए बत्तीस आ जाए तो देखिएगा कैसे होगा नोटिफिकेशन आपके पास बेटा सिर्फ तीन ही क्लासेस का नोटिफिकेशन आएगा आपके पास तीन क्लास का एक आएगी शाम को जो पांच बजे दोपहर शाम को साढ़े सात बजे जो क्लास रहेगी उसका और एक नोटिफिकेशन आएगा सुबह इसके बाद में यहाँ पर शाम को साढ़े नौ बजे इन तीन क्लासेस का नोटिफिकेशन आता है बाकी क्लासेस में आपको यूट्यूब में जाके सर्च बार में वाई एस पी लाइव क्लास सर्च करना होता है, ठीक है ये बात हा आपका बेटा है बारह बारह दुणी चौबीस चौबीस में आठ प्लस किया तो आपका बेटा बत्तीस ठीक है चौबीस प्लस में आठ क्या तो बत्तीस हो गया ठीक है आगे चलिए आपका फ्रेंड्स यहां पर है पांच गुणा में तीन है पंद्रह पंद्रह एकम पंद्रह प्लस में आपने नो किया पंद्रह प्लस में नो किया तो कितना हो गया चौबीस हो गया कितना हो गया चौबीस हो गया ठीक है आगे चलिए सात को तीन से गुणा किया सात इक्कीस इक्कीस को तीन से गुणा किया इक्कीय तिरसठ तिरसठ में सात प्लस किए तो आपका बन गया सत्तर कितना बन गया बेटा सत्तर बन गया ठीक है आगे चलिए आपका दो को नौ से गुणा किया दो में अठारह अठारह को चार से गुणा किया अठारह चौक बहत्तर बहत्तर में आपने बारह प्लस किया तो चौरासी हो गया कितना हो गया बेटा चौरासी हो गया तो आपका राइट आंसर कितना आएगा ऑप्शन नंबर डी योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी ओके आपका फ्रेंड्स राइट आंसर कितना हो जाएगा डी हो जाएगा क्योंकि आपको क्या करना है इन तीनों की तो आपस आप में मल्टीप्लीकेशन है और मल्टीप्लीकेशन करा के उसके अंदर आठ प्लस कर देने बात समझ में आ गई चले अगले क्वेश्चन पर अगले क्वेश्चन को देखिएगा आपको दिया दस पांच छियालीस सत्रह तीन चौदह अड़सठ आठ पंद्रह क्वेश्चन मार्क में आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा सभी बच्चे गौर से कीजिएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर वेल्डन well बेटे वेल्डन well ध्यान से कीजिएगा किस प्रकार से आप इसके अंदर नियम लगा सकते हैं आपका राइट आंसर आई तो यहां पर फ्रेंड्स आपने क्या देखा कि दस में जब मैं पांच प्लस करती हूँ क्या करती हूँ बेटा दस में पांच प्लस करती हूँ पंद्रह और पंद्रह में छह प्लस करती तो इक्कीस और इक्कीस को यदि मैं दो से गुणा करा दू तो मेरे पास बयालीस बात समझ में आई कि, कि आपने दस में पांच प्लस किया पंद्रह 15 में 6 प्लस किया 21 21 को 2 से गुणा किया तो 21 दुनी 24 21 को 2 से गुणा किया तो 21 दुनी कितना हो गया 24 हो गया आगे चलिए 17 में 3 प्लस किया आपका 20 20 में 14 प्लस किया 34 34 को आपने 2 से गुणा करवाया तो कितना आ गया यहां पर 34 multiply by 2 is equal to 68 कितना हो गया 68 हो गया आगे चलिए यहां पर फ्रेंड आठ को आपने पंद्रह में प्लस किया तो अठारह यहाँ पर आठ है प्लस में पंद्रह कितने हो गए तेईस हो गए ठीक है प्लस में आपका एक्स मल्टीप्लाई बाई टू इज इक्वल टू नाइनटी टू ठीक है ना आपका फ्रेंड्स कितना हो गया यहाँ पर नाइनटी टू तो ट्वेंटी थ्री प्लस में एक्स इज इक्वल टू बाण मे को बेटा दो से काटें क्योंकि तो ये यहां पर किस में है

कि यहाँ पर 92, 92 का आधा कितना होता है आपका 46, सिक्स तेईस ऊपर से तेईस ये छियालीस हो जाएंगे ठीक है ना यदि हम लोगों को आप लोगों को ना बताना होता सिर्फ मेरे को खुद से करना होता तो मैं ऐसे क्या करती है? मैंने यहाँ पर देख लिया कि तेईस है इनका जोड़ ये बाणवे बाणमे का आधा करती हूँ तो मेरे पास छियालीस आता है तेईस मुझे दे रखा है तेईस और जोड़ दूंगी तो कितना हो जाएगा छियालीस हो, तो हो जाएगा ठीक है तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा अगले क्वेश्चन को देखेगा बेटा तीन दस चौबीस बावन एक सौ आठ और क्वेश्चन मार्क आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप वही बात है बेटा यहां पर जो हरिवंश राय बच्चन जी की एक बात कही हुई ना उन्होंने कि असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो जब तक सफल ना हो जाओ नींद चैन को त्यागो तुम जब तक सफल ना हो जाओ नींद चैन को त्यागो तुम क्योंकि बिना कुछ किए जय जय कार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती जब भी आपका मन डिमोटिवेट होने लग जाए जब भी आपको ये लगने लग जाए कि भाई अपने से तो क्वेश्चन नहीं निकल रहे हैं मैं तो यहां पर हारने लग रहा हूं तो आप बस इस बात को अपने अंदर रखिए इस बात को सोचिए कि आपका अनसक्सेसफुल ही इंसान को क्या बनाता है सक्सेसफुल बनाता है यदि इंसान लगातार सफल होता रहता है ना तो वो आगे नहीं बढ़ सकता जब उसको बेटा यहां पर अनसक्सेस मिलती है तभी वो सोचता है अब इसको सक्सेस में कैसे कन्वर्ट किया जाए आपका फ्रेंड्स यहां पर देखेगा कि तीन से कितना बना दिया दस बना दिया तीन से कितना बना दिया दस बना दिया कैसे बनाए देखो तीन को दो से गुणा किया तीन दूनी छ छह में चार प्लस किया तो कितना हो गया दस हो गया हो गया दस आगे चलिए दस को दो से गुणा किया दस दूनी बीस बीस में चार प्लस किया तो चौबीस हो गया कितना हो गया चौबीस हो गया आगे देखिएगा आपका फ्रेंड्स यहां आप पर है अड़तालीस कैसे यहां पर बावन कैसे आएगा चौबीस को आपने दो से गुणा किया चौबीस दूनी अड़तालीस अड़तालीस में चार प्लस किए तो आपके बेटा कितने होंगे बावन हो गए कितने हो गए बावन हो गए चलिए बावन को आप फिर से यहाँ पर क्या कीजिए बेटा दो से गुणा कीजिए को दो से गुणा किया तो 104 104 में एक चार प्लस के तो 108 हो।, कितना हो गया बेटा? 108 हो गया सही है ना डन आगे देखिए 108 को जब आप फिर से क्या करेंगे 108 को भाई हम फिर दोबारा से चार से यहाँ पर गुणा कर देंगे 108 को जब दो से गुणा किया तो आपका 216 दो सौ सो में सोलह में चार प्लस के तो आपका बन गया बेटा दो सौ बीस योर 220. इज टू ट्वेंटी आपका राइट right आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दो बीस राइट आंसर हो जाए क्या हो जाएगा दो सौ बीस आपका राइट right आंसर हो जाएगा सभी बच्चे याद रखे ठीक है नेक्स्ट बेटे आपका एक चार पंद्रह या पर चौसठ और क्वेश्चन मार्क आपको और फ्रेंड्स बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर मैं कौन सा ऑप्शन लगाऊं कि मेरे क्वेश्चन का आंसर राइट निकले क्या निकले मेरे क्वेश्चन का आंसर राइट निकले कैसे निकाल सकते हैं निकालिए है भाई सबसे पहले इसके अंदर ये देखिए कि सीरीज आपकी बढ़ रही है या घट रही है सबसे पहले क्या देखेंगे कि सीरीज बढ़ रही है या घट रही है अब तुम्हें दिखाई दे गया बढ़ रही है तो अब बड़ी कैसे हो नियम देखो कि आपने जब क्या किया यहां पर एक को दो से गुणा करेंगे एक को दो से गुणा किया तो एक दुणी दो दो में दो प्लस किया तो आपका कितना हो गया चार हो गया कितना हो गया चार हो गया आगे चलिए। चार को जब तीन से गुणा किया चार चारिय बारह बारह में तीन प्लस किया तो आपका बेटा कितना आ गया पंद्रह आ गया। चार को तीन से गुणा किया चारिये बारह बारह में तीन प्लस किए तो आपके कितने हो गए पंद्रह आगे चले पंद्रह को चार से गुना किया पंद्रह चौके साठ साठ में चार प्लस किया आपका फ्रेंड्स यहाँ पर चौंसठ कितना हो जाएगा सिक्सटी फोर हो जाएगा अब सिक्सटी फोर को फिर आप यहाँ पर क्या कीजिए फाइव से मल्टीप्लाई क्योंकि पहले एक दो से मल्टीप्लाई हुई फिर तीन से मल्टीप्लाई हुई फिर चार से अब किससे होगी पाँच से तो चौंसठ को पाँच से गुणा करके उसमें पाँच प्लस कर दीजिए ठीक है तो आपका बेटा पाँचों के बीस और यहाँ पर इसके बाद में पाँच के 30, 30 और तीस और दो बत्तीस और पाँच प्लस करेंगे तो तीन सौ पच्चीस राइट क्या हो जाएगा 325 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक है ना Correct answer क्या आ जाएगा 325 क्योंकि पहले दो से गुणा दो प्लस फिर तीन से गुणा तीन प्लस फिर चार से गुणा फिर चार प्लस फिर पांच से गुणा पांच प्लस तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपको दिया दो फिर छह फिर नौ फिर आठ फिर तेरह सोलह अठारह बत्तीस क्वेश्चन मार्क आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर मैं कौन सा ऑप्शन लगाऊं कि मेरे क्वेश्चन का आंसर राइट निकले जिन प्यारे साथियों ने यहां पर लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद जो बच्चे हमारे चैनल पर आज पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें प्रतिदिन शाम को साढ़े सात बजे जीके की क्लास के लिए दोपहर में दो बजे जीके की क्लास के लिए और सुबह आप सभी बच्चे साढ़े छह बजे जीके की क्लास के लिए तैयार रहेंगे कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करे वक्त पर क्लास में पहुंच जाए ठीक है तो अब आपका बेटा देखिएगा कि दो का दो से गुणा किया दो दूनी चार चार को दो से गुणा किया चार दूनी आठ आठ को दो से गुणा किया आठ दूनी सोलह सोलह को दो से गुणा किया तो सोलह दुनी बत्तीस ये तो क्या आ रही है अल्टरनेटिव सीरीज चल रही है दो दूनी चार दुनी आठ दूनी सोलह दूनी बत्तीस ठीक है अगली जो सीरीज चल रही है वो कहां से चल रही है ऊपर की तरफ से वो देख लीजिएगा में जब आपने तीन प्लस किए तो नौ नौ में चार प्लस किए तो तेरह तेरह में पांच प्लस किए तो आपका फ्रेंड्स अठारह और अठारह में जब आप छह प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा कितना आ जाएगा चौबीस तो आपका फ्रेंड्स right समझ में आगे बात पहले आपका नीचे कितना प्लस हुआ है नीचे की तरफ आपका प्लस यहां पर multiply पर बेटा हुआ क्या दो से क्योंकि उसका क्या किया डबल. और ऊपर की तरफ जो सीरीज उसमें प्लस तीन प्लस चार प्लस पांच किया तो आपका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक ट्वेंटी फोर ठीक है ना अगले क्वेश्चन को देखिएगा आपको फ्रेंड्स यहाँ पर दिया निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो उपरोक्त चित्र में प्रश्न आकृति के चिन्ह पर आएगा इसमें प्रश्न आकृति के चिन्ह पर मैं कौन सा ऑप्शन लगाऊं कि मेरे क्वेश्चन का आंसर सही आए आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है ध्यान दीजिएगा बच्चा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बहुत अच्छी आपकी तैयारी है गैस बेटे वेरी गुड सुभाष बहुत बढ़िया ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें क्या होगा इसका राइट आंसर ओके बेटा गॉड ब्लेस यू ठीक है ना हम तो भगवान से यही दुआ करते हैं कि जो भी बच्चा हमारे यहाँ पर मेहनत करने लग रहा है या कहीं भी मेहनत कर रहा है अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए भगवान उनको तरक्की दें और जब वो एग्ज़ाम देने जाए तो पूरे हौसले के साथ एग्जाम दे के आए क्योंकि आपकी बार एग्जाम पार करना है ठीक है ना वेरी गुड बेटा ध्यान से कीजिएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या यहाँ पर ए करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर एक क्योंकि यहां पर बेटा जिस प्रकार से देखो इसका बेस ऊपर की तरफ है उसका बेस भी ऊपर की तरफ है तो इसकी यदि यहाँ पर ये वाली नोक है नीचे की तरफ है ट्राइंगल का हेड है वो नीचे की तरफ है तो सीधी सी बात है आपका फ्रेंड्स थर्टीन का जो ए ऑप्शन है इसके अंदर बिल्कुल परफेक्ट है तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी बच्चे देख लीजिएगा घड़ी में दो बजने पर उस घड़ी की दर्पणें छवि में क्या समय दर्शाता होगा आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है एक घड़ी है जिसके अंदर बेटा क्या बजे में है दो बजे में है तो आपको फ्रेंड्स बताना है कि जब उसको देखें, जब उसको उसको हम मिरर मिरर में क्या देखेंगे देखेंगे आप के अंदर देखेंगे, तो वो आपको कैसे दिखाई देगा आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है सभी बच्चे गौर से कीजिएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बहुत अच्छी आपकी तैयारी है सभी बच्चे गौर से कीजिएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मैंने बता रखा है ग्या, सीधा ग्यारह साठ में से माइनस कर दीजिए ठीक है ना सीधा क्या कर दीजिए ग्यारह साठ में से माइनस कर दीजिए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा सही ग्यारह साठ में से माइनस कर दो या सीधा बारह में से माइनस कर दो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा दस बजे है ना करेक्ट आंसर क्या होगा दस बजे क्योंकि बारह में से यदि हम दो को माइनस करते हैं तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर कितना आता है दस कितना आता है दस बजे का समय आता है यदि हम लोग ग्यारह साठ में से भी माइनस करेंगे दो को तो आपका बेटा साठ तो सीधा ही आ जाएगा ये साठ तो क्या आ जाएगा सीधा और आपका ग्यारह में से दो जाएगा तो नौ नौ साठ का मतलब तो वही दस बजे होते हैं नो साठ का मतलब तो क्या होता है वही दस बजे हुए होते हैं तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दस फरवरी माह में होता है फरवरी माह में क्या होता है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है फरवरी माह में होता है क्या होता है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन तो को पता है फरवरी माह में या तो बेटा क्या होता है यहां पर आपके 28 दिन होते हैं या फिर 29 दिन होते हैं ठीक है ना फरवरी माह में या तो बेटा क्या होते हैं 29 दिन होते हैं या फिर 28 दिन होते हैं 28 दिन कब होते हैं जब आपका सिंपल ईयर होता है 28 दिन कब होते हैं जब बेटा आपका सिंपल ईयर होता है ठीक है सिंपल ईयर बोले तो साधारण वर्ष और आपका फ्रेंड्स उनतीस दिन कब होते हैं जब लीप ईयर होता है ठीक है ना जब क्या होता है लीप ईयर होता है तो आपका फ्रेंड्स कितने दिन होते हैं तीस दिन तो ऑप्शन उनतीस दिन आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक किस समय पर घड़ी की दर्पण छवि प्रातः तीन बजे का समय दर्शाता है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में गौर कीजिएगा बेटा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर वही सीधा करना है बारह में से आप किसको घटा दीजिए तीन बजे को घटा दीजिए तीन बजे को घटाएंगे तो सीधा कितना बजेगा नौ बजेंगे तो सुबह के जब नौ बजेंगे और उसको हम दर्पण में देखेंगे तो वो कितना दिखाई देगा सुबह के तीन बजे हुए दिखाई देंगे है ना जब हम इसको क्या देखेंगे मिरर में देखेंगे तीन बजे को तो आपका फ्रेंड बारह में से घटाएंगे तो कितना बचेगा नौ बजेगा रात है नौ बजे ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स ए राइट आंसर हो जाएगा अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि मल्टीप्लाई को लिखा जाता है आपका फ्रेंड्स माइनस माइनस को लिखा जाता है आपका मल्टीप्लाई प्लस को लिखा जाता है यहां पर डिवाइड और डिवाइड को लिखा जाता है आपका प्लस ठीक है ये बन गई आपकी साइन चेंजिंग है ठीक है ना इन इन साइनों को आपने चेंज करना है अब यहाँ पे इक्वेशन क्या है पंद्रह माइनस में दो डिवाइड में नौ सौ प्लस में नब्बे और मल्टीप्लाई में 100 ठीक है हो गया यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बताना है कि आपका फ्रेंड्स यहाँ पर बिल्कुल बेटा ये आपकी जो वीडियो है ना ये बनानी थी मेरे को और ये लेकिन टाइम नहीं लग रहा क्योंकि पूरे दिन क्लासेस चलती रहती हैं और क्लासेस चलने की वजह से ना तुम लोगों का यहां पे काफी बच्चों को क्या है डाउट है कि भाई हमारे रीजनिंग के अंदर मैडम ये ये टॉपिक नहीं करवा रही है लेकिन जो एस एस की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना उनके बेटा वो टॉपिक आने ही नहीं है पेपर में ठीक है आपका जो नया सिलेबस आया है एस एस का उसमें ना आपकी डायरेक्शन आनी ना आपका डाइस आना और ना ही क्यूब आनी इसके साथ ना ही आपका फ्रेंड्स यहां पर है क्या कहते हैं उसको कैलेंडर और काफी और टॉपिक है ये टॉपिक आने ही नहीं है अब की बार आपके रीजनिंग में और ये वीडियो मैं कई दिन से कर रही हूं कि भाई एक बार बच्चों को इसके बारे में बताना है लेकिन क्या करूं बढ़ाऊ कब कर वो टाइम नहीं लग रहा पंगा ये हो रखा है आपका फ्रेंड्स देखेगा कि पंद्रह जो आप पढ़ने लग रहे हो ना फिलहाल जो डेली आप साठ क्वेश्चन करने लग रहे हो ये जो साठ क्वेश्चन आपको चला करवाए जा रहे हैं ना इन्हीं साठ क्वेश्चनों का आपका सिलेबस है और वही सिलेबस आपको करवाने करवाने लग लग रहे रहे हैं ठीक है ना जो सिलेबस आप लोगों को करवाने यही सिलेबस आपकी बेटा क्या है यहां पर एग्जाम के अंदर आने वाला आए आएगा आपका इस बात से आप निश्चित रहिए कि आप लोगों को सिलेबस करवाया जा रहा है कि यार उसमें पता नहीं हमारा सिलेक्शन नहीं होगा या होगा आप लोगों को जो सिलेबस करवाया जा रहा है उसी के अंदर आपका पूरा का पूरा जो रीजनिंग का है कंटेंट पूरा है इसकी टेंशन आप ना लीजिए बस आप करते रहिए जिस प्रकार से आपको सेट यहां पर पेपर सेट किया गया उसी प्रकार का आपका पेपर आएगा ठीक है तो यहां पर माइनस की जगह पर मल्टीप्लाई में दो डिवाइड की जगह पर प्लस में आपका नौ सौ प्लस की जगह पर डिवाइड में नब्बे और मल्टीप्लाई की जगह पर माइनस में सो पंद्रह दूनी तीस नब्बे एकम नब्बे नब्बे ढाई सौ प्लस में आपका दस माइनस में सो चालीस में से माइनस के सो घटाएंगे तो कितने बन जाएंगे माइनस माइनस के correct answer is minus 60, not 60. Correct answer क्या है? Minus का ना कि प्लस का साठ आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या माइनस साठ बेटा मैंने तुम लोगों को ये एक माइनस और प्लस वाला सिस्टम है ना ये कई बार बता रखा है कि ये माइनस प्लस की बहुत ज्यादा अहमियत है ठीक है ना ये माइनस और प्लस है ना इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू कभी इनको ऐसे ही सहल, के में ले बैठे हो तो इस बात को याद रखना कि जब भी किसी बड़ी संख्या के साथ माइनस का निशान है क्या है जब भी बड़ी संख्या के साथ माइनस का निशान है और घटा के बाद में जो रिजल्ट आएगा उसमें आपको माइनस लगाना है ठीक है आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कौन सा वर्ण एच वे एस के

आपका यदि साइंस से आप भर रहे हैं तो तीस नंबर की साइंस और तीस नंबर का आपका मैथ होता है ठीक है तो इस प्रकार से आपका टोटल कितना होता है डेढ़ सौ नंबर का पेपर होता है उसके अंदर यस बेटे पांच सब्जेक्ट यहाँ पर आंसर कीजिएगा कि आपसे पूछा गया है कौन सा वर्ण है जो एच और एस के ठीक बीचों बीच होगा ध्यान से कीजिएगा एच यहाँ पर अल्फाबेट तो लिखने आते होंगे यहाँ पर एच से लिखने एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यों आर एस ठीक है हो गया चले आगे एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह कितने हैं बारह अरे ओ निकम्मो नलायकों मन तो ऐसा कर रहा है एक एक को पकड़ पकड़ के ना अच्छी तरह पहले हिला दू ठीक है ना क्या कर दू पहले अच्छी तरह से तुम्हारे को हिला के रख दू ताकि दिमाग के जो पुर्जे तुम्हारे हिले हुए नहीं ये पुर्जे थोड़े सेट हो जाए मैंने तुम लोगों को क्या कहा है है मैंने तुम्हें क्या कहा कि जब भी तुम्हारी रीजन यहां पर क्या पूछा जाएगा बीचों बीच अंक पूछा जाएगा यदि तुम्हारे ओड नंबर होंगे ओड नंबर बोले तो विषम संख्याएं जो दो से भाग नहीं होंगी तब तो तुम्हारा मिडल का निकलेगा और सम संख्याओं के अंदर मिडल का निकलता ही नहीं है तो तुम ऑन लग लग कर दो घर पे बैठे हो तुम तो। मैं यहां से तो मैसेज भेज देती हूँ तुम्हारी मम्मी के पास कि इनको उठा उठा के ना एक एक बेलन, बेलन खींच खींच के मारना और कमर में लगना चाहिए बीचो बीच ताकि इनकी रीढ़ की हड्डी पे ना काफी दिन तक दर्द रहे नालायक तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा कोई भी वर्ण नहीं है क्योंकि यदि मैं यहां पर पांच पांच का स्पेल, तो पाँच पाँच के स्पेल में आपके दो बचते हैं तो मिडल नहीं निकाल सकते यदि एक लेंगे तो आपका बचना ही नहीं है ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स नन ऑफ दीज राइट आंसर हो जाएगा क्या नन ऑफ दीज राइट आंसर हो जाएगा आपको दिया छ इक्कीस क्वेश्चन मार्क अड़तालीस आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा बेटे इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है अच्छा आज तो गए गए तो सही रहोगे मैं तो चाहती हूं कि तुम्हारे को दो चार लगने चाहिए गौर से कीजिएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है सभी बच्चे गौर से कीजिए छः में आपने छः प्लस किया बारह या <coughs> छः में छः प्लस किया तो कितना हो गया बारह बारह में नौ प्लस किया तो कितना हो गया इक्कीस ठीक है इक्कीस में आप कितना प्लस करना पड़ेगा बारह प्लस करना पड़ेगा बारह प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा तेतीस तेतीस में पंद्रह प्लस करेंगे तो अड़तालीस तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट right आंसर हो जाएगा थर्टी थ्री क्योंकि यहां पर पहले छह प्लस हुआ फिर नौ प्लस हुआ फिर बारह प्लस हुआ फिर पंद्रह प्लस हुआ तो आपका फ्रेंड्स थर्टी थ्री राइट आंसर हो जाएगा आपको दिया सात ग्यारह तेरह सत्रह क्वेश्चन मार्क तेईस और पच्चीस आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर मैं कौन सा यहाँ पर अंक लगाऊं कि आपका बेटा क्वेश्चन राइट आ जाए इसकी जगह पर कौन सा ऑप्शन लगाया जाए कि आपके क्वेश्चन का आंसर राइट आए सभी बच्चे ध्यान से कीजिएगा वेल्डन बेटे वेल्डन ध्यान से करेंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद अपना प्यार साथ विश्वास बनाए रखने के लिए जिन्होंने अभी तक लाइक काउंट को लाइक नहीं किया क्या बात भाई सो गए क्या अरे ओ महारथियों जाग जाओ यदि आप लोगों को पढ़ना अच्छा लग रहा है डेली आप क्लासेस लेना चाहते हैं तो एक तो टाइम पर क्लास में आए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ क्लास के साथ जुड़े ठीक है ना पहले क्वेश्चन पर क्लास में जुड़ा करो ताकि आप क्लास का पूरा फायदा उठा सके देखिएगा सात में जब चार प्लस किया तो ग्यारह ग्यारह में आपने दो प्लस किया तेरह तेरह में चार प्लस किया सत्रह सत्रह में दो प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा उन्नीस कितना आ जाएगा उन्नीस आ जाएगा 19 में 4 प्लस करेंगे तो 23 हो जाएगा 23 में 2 प्लस करेंगे तो 25 हो जाएगा यानी कि फ्रेंड्स आपका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक 19 करेक्ट आंसर right क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा ठीक है ना पहले कितना प्लस हुआ 4 फिर कितना प्लस हुआ 2 फिर 4 फिर 2 फिर 4 2 फिर 2 आपका बेटा राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 19 बॉक्स बॉक्स को क्या लिखा 41 मैप मैप को क्या लिखा थर्टी तो रेट को आप क्या लिखेंगे आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना रेट को आप क्या लिखेंगे आपको फ्रेंड्स इसके बारे में है सभी बच्चे गोर से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा बेटा देखिएगा बी कितने पर आता है दो नंबर पर ओ आपका पंद्रह नंबर पर एक्स कितने पर आता है चौबीस ठीक है आपका बेटा चार और पांच कितने हो गए नौ नौ और दो कितने हो गए ग्यारह ठीक है दो और एक तीन और एक आपका कितना हो गया चार हो गया आपका कितना हो गया बेटा इकतालीस हो गया ठीक है ना कितना हो गया इकतालीस हो गया अब मैप वाले को भी आप इसी प्रकार से करेंगे किसको मैप जो शब्द आपको दिया गया है मैप वाले शब्द को भी हम इसी प्रकार से करेंगे एम कितने पर आता है आपका बेटा तेरह नंबर पर आता है एम कितने पर आता है तेरा नंबर पर आता है ए आपका एक पर पी आपका सोलह पर तेरह और एक चौदह चौदह और सोलह ठीक है आगे चलिए आर आपका कितने पर आता है अठारह नंबर पर ए आपका एक नंबर पर टी आपका बीस नंबर पर बीस और अठारह अड़तीस अड़तीस और एक कितना हो गया उनतालीस करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 39 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक योर करेक्ट आंसर इज 39 सभी बच्चे देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट right आंसर हो जाएगा डी ई आपको दिया बेटा 45 रेशो में आपसे पूछ लिया कि बी सी रेशियो में क्या है डी ई रेशियो में आपको दिया 45 तो आपका फ्रेंड्स यहां पर पूछ लिया बी सी रेशियो में कितना आएगा यहां पर बेटा देखिएगा डी कितने पर आता है चार नंबर पर ई e आपका पांच नंबर पर पैंतालीस बन गया बी आपका दो नंबर पर सी आपका तीन नंबर पर कितना बन गया तेईस कितना बन गया तेईस बन गया तो ऑप्शन नंबर डी तेईस आपका राइट आंसर हो जाए क्या हो जाएगा तेईस आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी बच्चे देख लीजिएगा आपको बेटा डी ई e दिया कितना बीस यहां पर दस दे दिया और आपसे पूछ लिया एच आई क्या आएगा डी आपको दे दिया दस आपसे क्या पूछ लिया कि एच के लिए हम यहां पर क्या कोड यूज करें कि हमारे क्वेश्चन का आंसर राइट आए सभी बच्चे ध्यान से देखिए और बताइए प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा वेरी गुड बेटे वेरी गुड सबसे पहले नंबरिंग कीजिए नंबरिंग करने के बाद में इसके अंदर ये देखिए कि इसके अंदर क्या नियम लगा सकते हैं आपका फ्रेंड्स यहां पर ध्यान रखेगा प्रतिदिन शाम को साढ़े सात बजे रहेगी आपके बेटा जिके की क्लास शाम को पांच बजे रहेगी आपकी यहां पर हिंदी की क्लास दोपहर में दो बजे रहेगी आपके friends पर किसकी क्लास जिके क्लास ठीक है तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान से देखेगा डी कितने पर आता है चार पर ई कितने पर आता है पांच पर बटे में दो चार पंजे बीस बीस का आधा किया तो आपका फ्रेंड्स कितना आ गया दस आ एच आठ पर आता है आई आपका नौ पर आता है बटे में दो दो एकम दो, दो चौके आठ छत्तीस राइट आंसर हो जाए हम्म <laughs> देखकर खुश हुआ मुकेम्बो खुश हुआ है ना क्या वो कैसे करता था मुकेम्बो खुश हुआ क्या कर रहे हो ये अरे ओ किलविशो किलविश किल्विश था ना वो कैसे किलविश क्या करता था अंधेरा कायम रहेगा निकम्बो क्या करने लग रहे हो तुम लोग यहाँ पे तुम ये दस कैसे लेके आए पहले तुम मेरे को ये बताओ चार और पांच तो नौ होते हैं दस कैसे आया तुम्हारा आपका फ्रेंड्स यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी थर्टी सिक्स करेक्ट आंसर हो जाएगा राम राम भाई आपका फ्रेंड्स यहां पर देखिएगा दुकानदार रेशो में ग्राहक डॉक्टर रेशो में रोगी वकील रेशो में मोकिल और लिपिक रेशों में फाइल आपको फ्रेंड्स बताना है क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऐप पे फिलहाल लाइव नहीं चलते हैं ऐप पे आपका जब वो चलाया जाएगा ना या फाउंडेशन बैच लेके आएंगे तब लाइव लेंगे अभी तो फिलहाल आप लोगों को ये तो एप्लीकेशन तो बेटा अभी बनाई है जस्ट थोड़े दिन पहले तो टाइम तो लगेगा ना दुकानदार में क्या होते हैं दुकानदार के पास क्या होते हैं ग्राहक होते हैं डॉक्टर के पास रोगी आते हैं लिपिक के पास फाइल आती है यहाँ पर वकील मोकिल यहाँ पर जो आपका फ्रेंड सी वकील यहां पर क्या वकील के पास मोकिल होते हैं ठीक है ये बात तो आपकी ठीक है ये आपका क्लैरिकल काम लिपिक जो करता है वो फाइलों के अंदर करता है ये क्या जोड़ दिए यहाँ पे बंदे जोड़ दिए ये क्या जोड़ अरे ओ मारथियों रुक जाओ मैंने कब कहा भाई सी वाला आंसर सही है पहली बात तो ये बताओ मैंने कब कहा सी वाला आंसर सही है जो ये सी वाले हैं एक उठा के मारो कुछ तुम लोगों को मैंने कब गासी वाला अच्छा सही है दुकानदार के पास ग्राहक आते हैं डॉक्टर के पास रोगी आते हैं वकील के पास मोकिल आते हैं ठीक है लिपिक फाइल में काम करता है लिपिक क्या करता है फाइल में काम करता है लेकिन उसके पास यहां पर वो लिपिक क्या आदमी है या फाइल क्या आदमी है फाइल आदमी तो नहीं है आपका फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ये वाला गलत है ऑप्शन नंबर डी क्या है गलत है आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो मतलब बात यही तो कहते ना अधूरा ज्ञान क्या है जहर के समान है अधूरा ज्ञान है वो जहर के समान है मैंने बात पूरी नहीं की उससे पहले सारे के सारे क्या है यहां पर सी सी को आंसर करने लग रहे हैं इसे कहते हैं अधूरा ज्ञान जहर के समान ठीक है आगे बात समझ में ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा पुतली कॉर्निया रेटिना मेडुला आपको फ्रेंड्स बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा यस बेटे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें क्या होगा इसका राइट आंसर कि पुतली कॉर्निया रेटिना और मेडुला आपको फ्रेंड्स बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा आपका फ्रेंड्स यहां पर देखिए मैथ्स की क्लास सुबह होती है आपके फ्रेंड्स यहां पर कितने बजे नौ बजे सुबह मैथ्स की क्लास होती है सुबह नौ बजे हिंदी की क्लास रहेगी आपके फ्रेंड्स यहां पर शाम को पांच बजे और आपके लिए फ्रेंड्स यहां पर जीके की क्लास सुबह रहेगी साढ़े छह बजे ठीक है तो आप फ्रेंड्स यहां पर ध्यान से देखिएगा पुतली है कोर्निया और रेटिना ये तीनों तीनों किसके भाग है आग के भाग ये तीनों के तीनों क्या है आग के आई है लेकिन फ्रेंड्स मेडुला क्या है इनसे अलग है ऑप्शन नंबर डी इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा आपको दिया सो एक सौ पंद्रह क्वेश्चन मार्क एक सौ पचास एक सौ सत्तर एक सौ आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा आपको फ्रेंड्स इसके बार है सभी बच्चे ध्यान से कीजिएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर वेरी गुड वेरी गुड बहुत बढ़िया सभी बच्चे गोर से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा वेरी yes, गुड ध्यान से कीजिएगा आपको यहां पर है सो में जब पंद्रह प्लस किए तो एक सौ पंद्रह कितना हो गया 115 हो गया ठीक है आगे चलिए जब 115 में यहां पर नहीं पता कि क्या प्लस हुआ जब 150 में आपने 20 प्लस किए तो कितना हो गया 170 हो गया 170 में जब आपने 15 प्लस किए तो कितना हो गया 185 ये बात तो ठीक है ठीक है ना आपका फ्रेंड्स यहां पर 15 प्लस हुआ यहां पे 20 फिर 15 तो मतलब कि यहां पे पंद्रह प्लस हो गया तो यहां पे कितना प्लस होगा बीस प्लस होगा तो एक सौ पंद्रह में जब आप बीस प्लस करेंगे तो कितना एक सौ पैंतीस और एक सौ पैंतीस में जब आप पंद्रह प्लस करेंगे तो कितना आ डेढ़ सौ ठीक है तो आपका राइट आंसर कितना हुआ ऑप्शन नंबर एक हुआ योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर एक वन थर्टी फाइव ठीक है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा एक सौ पैंतीस राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट वन देखिएगा आपको दिया बेटा 5, 5 के बाद में ग्यारह ग्यारह के बाद में उन्नीस उन्नीस के बाद में उन्तीस उनतीस के बाद में यहाँ पर क्वेश्चन मार्ग क्वेश्चन मार्ग के बाद में पिचपन और पिचपन के बाद में इकहत्तर आपसे पूछ लिया कि इस क्वेश्चन मार्ग की जगह पर मैं कौन सा ऑप्शन लगाऊं कि मेरे क्वेश्चन का आंसर राइट निकले मैं क्या लगाऊं कौन सा ऑप्शन लगाऊं कि मेरे क्वेश्चन का आंसर राइट आए आपको फ्रेंड्स इसके बारे में जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद जो कंजूस मक्खी चूस यहाँ पर बैठे हुए हैं फटाफट से लाइक काउंट को लाइक करेंगे चैनल को को सब्सक्राइब एंड प्रेस कर लेंगे आपका बेटा यहाँ पर पांच में जब छह को प्लस किया तो कितने हो गए में को प्लस किया तो उन्नीस उन्नीस में दस को प्लस किया तो उनतीस बात ध्यान से देखिएगा कि पांच में जब छह प्लस किया ग्यारह ग्यारह में आपने आठ प्लस किया उन्नीस उन्नीस में दस प्लस किया तो उनतीस उनतीस में आप कितना प्लस करेंगे बारह उनतीस में बारह प्लस करेंगे तो नौ दो ग्यारह दो रेक, रेक, एक तीन और एक चार इकतालीस इकतालीस में जब आप बेटा यहाँ पर बारह हो गया बारह के बाद में चौदह प्लस करेंगे पिचपन और पिचपन में जब सोलह प्लस करेंगे तो इकहत्तर यानी कि फ्रेंड्स आपका राइट right आंसर कितना फोर्टी वन राइट आंसर कितना फोर्टी वन यूर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी फोर्टी ठीक फोर्टी वन क्या हो जाएगा राइट right आंसर हो जाएगा सभी बच्चे देख लीजिएगा ठीक है चलिए दोस्तों चलते हैं अगले आपको, friends, यहाँ पर है आकृति कौन सी जी डी की तैयारी कर लीजिए चाहे तुम एस एस सी सीपीओ की तैयारी कर, कर लो मेरी बात को ध्यान से सुन लेना चाहे तुम एस एस की तैयारी कर लो चाहे सी की तैयारी कर लो चाहे सीजीएल की तैयारी कर लो चाहे आप यहाँ पर एम की तैयारी कर लो चाहे स्टेनोग्राफर की तैयारी कर लो सभी आपके एस के एग्जाम में यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो आप लोग पर चाहे आपका सपना इनमें से कोई भी हो इसके अलावा आर्मी नेवी एयरफोर्स आपका यहाँ पर एन टी पी यहाँ पर क्या एन आपका ग्रुप डी है ये एग्जाम हो चाहे आप किसी भी सेंटर या स्टेट के एग्जाम की तैयारी करो हर जगह पर आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त है बस धैर्य के साथ को निकालने की कोशिश करो ठीक है ना आपका फ्रेंड्स पहले ये ये कहा राइट में, में कहां पर है? Right राइट की तरफ है दो ऑप्शन आप काट सकते हैं ठीक है ठीके? इसके बाद में ये दोनों ऊपर नीचे मतलब एक ऊपर की तरफ है तो दूसरा नीचे की तरफ है ये दोनों एक साथ इकट्ठे हो गए इसलिए ये भी कट गया राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आंसर इज ऑप्शन नंबर

तो यहाँ पे अपना दिमाग है उसको सेट कर लीजिए वो अलग से कुछ और नहीं करवाएंगे वही ये यहाँ पर जो रीजनिंग के आपके 25 टॉपिक है उन 25 टॉपिकों में से आपको क्वेश्चन देंगे वो कहां से कहीं कुछ और लेके आएंगे क्या आपको बेटा ये चार हिस्से दिए इन चार हिस्सों में से कौन सा हिस्सा है जो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर बा, बाकी से अलग है फटाफट से दीजिएगा आंसर आपका फ्रेंड्स यहां पर देखिएगा ये दो हिस्सों में बांट रखा है ये भी दो आपका हिस्सों में बटा हुआ है और ये भी आपका दो हिस्सों में बटा हुआ है एक ओरिजेंटल बटा है एक वर्टिकल बटा है ठीक है एक आपका सीधा और एक आपका क्या बटा हुआ है टेढ़ा तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है जो बाक्यों से अलग क्या है ऑप्शन नंबर बी है जो आपका बाक्यों से अलग है ये सारे बीचो बीच से डिवाइड है लेकिन वो बीचो बीच से डिवाइड नहीं है आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर यस बेटे वेरी गुड बहुत बढ़िया ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें क्या होगा इसका राइट आंसर तुम तो यार वो करने लग जाते हो तुम ये कह दू ना कि बेटा आपके हर एक एग्जाम के लिए जरूरी है जैसे मम्मी बोला हाँ बेटा उस कह दिया कि बेटा चाय बनानी है मम्मी चाय में पानी भी गिरेगा क्या हाँ बेटा चाय में पानी गिरेगा अच्छा मम्मी इलायची भी डालनी है क्या हाँ बेटा इलायची भी डालनी है अदरक भी डाल लू हाँ डाल दे बेटा दूध भी डालना पड़ेगा क्या हाँ डालना पड़ेगा कितना डालना है बेटा इतना डाल दे। अब मीठा कितना डालूं अरे भाई तूने चाय बनाई है या चाय की रेसिपी तैयार करवाई है यदि इतना ही बोलना पड़े तो फिर मैं अपने आप ही ना चाय बना लूं तो तुम जब तुम्हें यह कह दिया कि बेटा चाय तुम किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर लो आपके हर जगह पर काम आएगा भारत में जितने आपके राज्य हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं साथ ही आपकी सेंटर की जितनी भी नौकरियां उन सभी नौकरियों में आपके लिए फायदेमंद ठीक ये, ये ना करो एक करे मैडम मैडम आर्मी में फेस भी इसका नीचे की तरफ इसका फेस भी नीचे की तरफ लेकिन इसका फेस ऊपर की तरफ तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ठीक है ना ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी बच्चे देख लीजिएगा रेशो में आपको दिया अठारह छप्पन रेशो में कितना आएगा आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना, छप्पन रेशो में कितना आएगा आपको फ्रेंड्स इसके बारे में है। सभी बच्चे गौर से कीजिएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक like कर दिया उनका भाई बहुत बहुत, बहुत दिल से धन्यवाद गौर से करें बेटा गौर से करें देखो बेहतर रेशियो में आपको कितना दिया है बेहतर रेशो में आपको दे रखा है अठारह बेहतर रेशो में कितना दे रखा है अठारह यहां पर आपको दे रखा है छप्पन रेशो में कितना है यहां पर कितना दे दिया छप्पन रेशो में कितना आएगा आपको फ्रेंड्स इसके बारे तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो आपका ना ए ऑप्शन सही ना सी ऑप्शन वाले सही और ना ही डी ऑप्शन वाले सही जिन्होंने एक दो ने बी आंसर दिया वो सही है देखिए सात को दो से गुणा करो सात दो आप प्लस करो पहले सात में दो प्लस किया तो कितना हो गया नौ नौ का दुणा कर दिया तो कितना हो गया अठारह ठीक है सात को दो से गुणा किया सात आपका सात को दो में प्लस किया नौ नौ को दो से गुणा कर दिया अठारह हो गया ठीक है आगे चलिए पांच प्लस में छ किया ग्यारह ग्यारह का दुणा किया तो बाईस तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाईस ठीक है ना बाइस क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा सभी बच्चे देख लीजिएगा आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या यहां पर बाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट आपको दिया चार रेशों में उन्नीस और पोर्शन में सात रेशो में कितना आएगा आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताने चार रेशो में आपको दिया उन्नीस पर पोर्शन में सात रेशों में कितना आएगा आपको फ्रेंड्स इसके बारे में सभी बच्चे गौर से कीजिएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बहुत ही बेहतरीन और गजब का क्वेश्चन आपको दिया गया सभी बच्चे ध्यान से कीजिए बेटा देखो आप लोग यहाँ पर वो कहते हैं ना आप एक बार क्लास में आते हो फिर भागते हो फिर क्लास में आते हो फिर भागते हो कोई टिपिकल क्वेश्चन आ जाता है तो परेशान क्यों ना स्टार्ट हो जाते हो कोई बात नहीं क्वेश्चन गलती हुआ है क्या हो गया फिर यहाँ पे सिलेक्शन थोड़ी ना मिल रहा है यहाँ पे तो मेहनत की जा रही है मैदान के अंदर मैदान में मेहनत करेंगे तो गिरेंगे भी ठोकरे भी खाएंगे थकेंगे भी हारेंगे भी फिर से उठेंगे और फिर से भागना स्टार्ट कर देते हो कर देते ना जब फिजिकल की तैयारी करने के लिए आप मैदान पे जाते हो तो क्या तुम गिरते नहीं हो क्या तुम्हें चोट नहीं लगती है तुम्हारा पैर नहीं मुड़ता है तुम ठोकरे के गिरते नहीं हो तुम क्या नहीं करते हो फिर भी दौड़ते हो ना दोबारा से तो एग्जाम की तैयारी के लिए यहाँ पर भी मेहनत करो ना उतनी तरीके से आपका फ्रेंड्स यहाँ पर देखेगा कि चार का स्केयर क्या तो आपका फ्रेंड सोलह सोलह में तीन प्लस किया तो उन्नीस कितना हो गया उन्नीस हो गया आगे चलिए सात का आपने स्केयर किया तो सात का स्केर कितना हो गया आपका फ्रेंड्स यहाँ पर उनचास उनचास में तीन प्लस किया तो कितना हो गया योर करेक्ट करेक्ट आंसर इज फिफ्टी टू ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स में ठीक है ना ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा यहां पर फिफ्टी टू करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी बच्चे देख लीजिएगा आपको दिया क्या दो चौदह सोलह आपको फ्रेंड बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या होगा सबसे पहले क्या कीजिए ऊपर वाले ये जो आपको दिया ना ऊपर क्वेश्चन दिया है

आपका वीडियो देखिएगा कि यहां पर जब मैं क्या करती हूं दो को सात से गुणा करती हूं तो कितना आता है? आता है है और जब मैं दो को से गुणा करती हूं तो हमें सोलह मिलता है ठीक है थेके? तो आपका फ्रेंड्स यहां पर पहले एक बार सात से गुणा होनी चाहिए और आठ से गुणा होनी चाहिए जब दो को सात से गुणा करेंगे तो चौदह आना चाहिए और सोलह कट गया चार को जब आप सात से गुणा करेंगे चार सत्तर अट्ठाईस और चार अठे बत्तीस आना चाहिए काट दीजिए आपका फ्रेंड्स यहां पर तो सेम इसी प्रकार से आना चाहिए था ये भी घट गया एक ही बच गया ऑप्शन नंबर बी तो आपका फ्रेंड्स बी ऑप्शन क्या दिया तीन इक्कीस और अट्ठाईस तीन सत्य इक्कीस और आपका फ्रेंड्स यहां पर है तीन अट्ठे चौबीस तीन अट्ठे कितना हो गया चौबीस तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक है ना ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट वन में दिया आपको एक चार नौ सोलह पच्चीस और क्वेश्चन मार्क आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर मैं कौन सा ऑप्शन लगाऊं कि मेरे क्वेश्चन का आंसर राइट आए आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है यहाँ पर अगला ऑप्शन क्या लगाएं तो एक का स्केयर कितना होता है एक दो का स्केयर कितना होता है चार तीन का स्केयर नो चार का स्केयर सोलह पांच का स्केयर पच्चीस और छ का स्केयर कितना हो जाएगा छह का स्क्वेयर कितना हो जाएगा छत्तीस तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी छत्तीस करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी छत्तीस करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी बच्चे देख लीजिएगा ठीक है नेक्स्ट आपको दिया बेटा पांच छब्बीस आठ पैंसठ छह, छत्तीस नौ बयासी आपको फ्रेंड्स बताना है कि यहां पर ये चार ऑप्शन दिए वर्गीकरण का क्वेश्चन नहीं है वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन के अंदर आपको क्या करना होता है बेटा चार ऑप्शन दिए जाते हैं उन चार ऑप्शनों में से तीन ऑप्शन आपके डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से मिलते हैं लेकिन एक ऑप्शन ऐसा होता है जो आपका उस रूल को फॉलो नहीं करता है जो बाकी करते हैं तो आप लोग फटाफट से बताइएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है कोई बात नहीं जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया उस क्वेश्चन को एक बार लास्ट में आप डिस्कस कर लीजिएगा बता देंगे हेलो बेटा हेलो सभी को हेलो हाई नमस्ते आदाब आदा देखें, पांच का जब स्केयर करते हैं पच्चीस पच्चीस में एक प्लस करते हैं तो छब्बीस आते हैं आठ का स्केयर चौसठ चौसठ में एक प्लस करते हैं तो आपका पैंसठ आता है नौ का स्केयर करते हैं तो आपका इक्यासी इक्यासी में एक प्लस करते हैं तो बयासी आता है सही है छ का स्केयर छत्तीस छत्तीस में एक प्लस करते हैं तो सैंतीस आना चाहिए बट इज नॉट इक्वल टू थर्टी सेवन ये 36 है तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्योंकि बाकी सभी में क्या हो रहा है n का स्क्वायर प्लस में 1 क्या हो रहा है n का स्क्वायर प्लस में 1 का नियम लगा हुआ है आपको दिया बेटा 5 56 11 इसके बाद में 115 1090 और आपका फ्रेंड्स यहां पर अगला क्या दे दिया आपको नो no, बेहतर आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस क्वेश्चन के अंदर आपका कौन सा ऐसा नियम लगा है जो यहाँ पर फ्रेंड्स बाकियों से अलग है इसमें कौन सा ऐसा नियम लगा है जो बाकियों से अलग है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है गौर से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा क्या होगा इसका राइट आंसर बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है वेरी गुड बेटा वेरी गुड ध्यान से एक बार बेटा ये देख रहे ये सात है यहां पे आठ इसको ठीक कर लेना एक बार ध्यान yes. से करें बेटा ध्यान से करें क्या होगा इसका राइट आंसर देखो आपका बेटा नौ को जब आठ से गुणा किया नौ बेहतर ठीक है दस को जब नौ से गुणा किया दस नब्बे आठ को जब सात से गुणा किया आठ सात छप्पन लेकिन फ्रेंड्स ये किसका इसमें तो ये गुणा है नहीं ये क्या नहीं आती है गुणा नहीं आती है तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि 115, 11 का फैक्टर नहीं है इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपको दिया बेटा बारह इक्कीस सतावन पिचहत्तर पंद्रह इकतालीस और चौतीस तैंतालीस आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा जिन प्यारे साथियों ने लाइक लाइक को कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद शाम को साढ़े सात बजे रहेगी आपकी जीके की क्लास दोपहर में दो बजे रहेगी आपकी जीके की क्लास और सुबह आप सभी बच्चे साढ़े छह बजे जीके की क्लास के लिए तैयार रहेंगे और इसके साथ ही आपकी शाम बेटा सुबह नौ बजे रहेगी आपकी मैथ की क्लास ठीक है ना नौ बजे सुबह क्या रहेगी मैथ की क्लास कोई भी बच्चा भूलेगा नहीं यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखिएगा कैसे होगा कि जब इनकी हम प्लेस वैल्यू चेंज करते हैं क्या करते हैं इनकी प्लेस प्लेस वैल्यू को चेंज करते हैं मतलब कि place को को बनाते बनाते हैं और टेंस को बनाते हैं। तो आपका बेटा का क्या बन जाता है, है पिछहत्तर बन, बन जाता है सही है यहाँ पर चौतीस का क्या बन जाता है तैतालीस बन जाता है सही है लेकिन पंद्रह का आपका बेटा बनना था इक्यावन लेकिन बना कितना इकतालीस इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी गलत है क्या है ऑप्शन नंबर सी वाला गलत है बाकी आपके सारे सही है देख लीजिएगा आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट बेटे आपको दिया न्यूज।, न्यूज 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 को बनाया विनूज तो मैट को क्या बनाएंगे आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बता है मैट को आप क्या यहां पर बनाएंगे आपको फ्रेंड्स इसके बारे में है तो देखिएगा एक दो तीन चार तीन दो एक चार टी एम टी एम ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स ए राइट आंसर हो जाएगा ठीक है ना ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा सभी बच्चे देख लीजिएगा ठीक है ना इसके अंदर क्या किया है सिर्फ इनकी यहां पर बेटा जो प्लेस वैल्यू है वही चेंज किया है कि पहले आपका एन एक पर था अब आपका एन तीसरे नंबर पर है ई आपका दो नंबर पर था दो नंबर पर डब्ल्यू आपका तीन पर था उसको एक पर ले गए और एस को आपका चार पर रखा सिर्फ इनके जगह को क्या किया है चेंज किया ठीक है नेक्स्ट शो देखेगा बेटा आपको दिया तीन दो चार दस तीन चार पांच सत्रह आपका फ्रेंड्स दो पांच आठ क्वेश्चन मार्क इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर है। मैं कौन सा ऑप्शन लगाऊं कि मेरे क्वेश्चन का आंसर राइट आए आपको फ्रेंड्स इसके बारे में है भाई लाइक काउंटर में और हमारे बच्चों के लाइव सेशन में यहां पर काफी द्वंद मचा हुआ है क्योंकि यहाँ पर लाइक काउंटर में बच्चे लाइक नहीं कर रहे हैं उनका जो हिसाब किताब है पूरा बिगड़ा हुआ है सभी बच्चे फटाफट से लाइक काउंटर को लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक को प्रेस कर लेंगे बेटा जब मैं एग्जाम में बैठूंगी ना तब तो यहाँ पे पेपर के अंदर मेरे को टाइम लगाने की जरूरत नहीं है बीस क्वेश्चन आएंगे तो पाँच से सात मिनट में मैं कंप्लीट कर लूँगी मेरे ठीक है मुझे अभी मेरा पेपर क्लियर नहीं करना अभी मेरे बच्चों को डाउट क्लियर करवाना है अभी भी जो मेरा काम है वो अब जो स्टूडेंट मेरे पास पढ़ रहे हैं ना उनका डाउट क्लियर करवाना है फिलहाल मेरे को कोई पेपर नहीं देना है जब पेपर दूंगी तो टेंशन मत लीजिए बीस क्वेश्चनों को यहाँ पे पाँच मिनट में चार मिनट में कंप्लीट कर लूंगी मैं कोई टेंशन वाली बात नहीं है इतनी टेंशन मत लीजिए मेरी फिलहाल आप ये टेंशन लीजिए कि इस क्वेश्चन को कैसे निकालना है आपका फ्रेंड्स यहां पर देखिएगा कि तीन दुणी छह छह में चार प्लस किया तो आपका फ्रेंड्स कितना हो गया? 10 हो गया गया सही सही है, है ना कि तीन को दो से गुणा किया तीन दुणी छह छह में चार प्लस किया तो आपका दस हो गया आगे चलिए आपका फ्रेंड्स यहां पर अगला जो है तीन को चार से गुणा किया तीन चौक बारह बारह में पांच प्लस किया तो आपका बेटा कितना हो गया सत्रह कितना हो गया सत्रह हो गया सही है आगे चलिए दो में आपने पांच को गुणा किया दो पंजे दस दस में आठ प्लस किए तो आपका फ्रेंड्स कितना हो जाएगा अठारह कितना हो जाएगा अठारह तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अठारह करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा अठारह करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी बच्चे देख लीजिएगा नेक्स्ट बेटे आपसे पूछा चार बारह चौबीस एक सौ बीस क्वेश्चन मार्क चौबीस सत्रह और सत्रह नहीं आएगा यहाँ पे इसको करो अड़तालीस अड़तालीस और आपका फ्रेंड्स यहां पर कितना है इसको यहां पे बेटा फोर्टी एट कर लीजिए अब निकालिए गौर से करें बेटा गौर से करें क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए चार को जब तीन से गुणा करेंगे तो क्या होगा बेटा चारह होगा बारह को जब दो से गुणा करेंगे बारह धुनी चौबीस हो गया चौबीस को जब पांच से गुणा करेंगे तो चौबीस पंज एक सौ बीस हो गया ठीक है आपका फ्रेंड्स यहां पर ध्यान से देखिएगा कि आपका यहां पर चार को जब तीन से गुणा किया चार को तीन से गुणा किया चारह बारह को, को, तो को, को दो से गुणा किया बारह चौबीस और चौबीस को पांच से गुणा किया तो आपका बेटा एक सौ बीस यहां पर को जब दो से गुणा किया को पांच से गुणा किया तो एक सौ अस्सी दो सौ चालीस को जब पांच से डिवाइड किया तो आपका फ्रेंड्स यहां पर क्योंकि इसके अंदर ऊपर वाली संख्या निकालनी हमें तो तो 240 को जब पांच से डिवाइड किया अड़तालीस आया 48 को जब दो से डिवाइड किया 24 आया 24 को जब यहाँ पर तीन से डिवाइड करेंगे तो आपका फ्रेंड्स कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा जाएगा कितना आ जाएगा आठ आ जाएगा क्योंकि आठ तीय चौबीस होता है क्या होता है आठ तीय चौबीस होता है तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एट करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी बच्चे देख लीजिएगा आपको दिया तीन दो पांच सत्रह छह एक सात तैतालीस पांच तीन दो क्वेश्चन मार्क आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा फटाफट से बताइएगा बताएंगे लाड लोग गौर से क्वेश्चन का आंसर करें क्या होगा इसका राइट आंसर सबसे पहले आप बेटा मैट्रिक्स को किस प्रकार से बड़ी अंक संख्या इस साइड में मतलब कि हम नियम कैसे लगाएंगे इधर लगाएंगे ठीक है तो अब नियम कैसे लगेगा वो देखिएगा नियम को हम किस प्रकार से इनबिल्ट करेंगे वो देखिए कि यहाँ पर जब तीन को दो से गुणा किया तो कितना आ गया तीन को पांच से गुणा करेंगे तीन को जब पांच से गुणा किया ऊपर लिख दो तीन पंजे पंद्रह पंद्रह में दो प्लस के तो आपका बेटा बन गया सत्रह ठीक है आगे चलिए आपका छह सत्य बयालीस बयालीस में एक प्लस क्या तो बन गया तैतालीस पानुनी दस दस में तीन प्लस क्या तो तेरह तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तेरह करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तेरह आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी बच्चे देख लीजिए ठीक है आगे देखिए यहां पर फ्रेंड्स आपको दिया दही दूध छाछ गाय घी और मक्खन आप लोगों को फ्रेंड्स यहां पर क्या करना है गाय से दूध लेकर उसको किस प्रकार से पूरा प्रोसेस करके हम यहां पर छाछ में कन्वर्ट करेंगे वो प्रोसेस आपको यहां पर सिस्टमेटिक तरीके से लगाना है मोयानी कि कहने का तात्पर्य क्या है वर्ड्स का अरेंजमेंट कीजिए और वर्ड्स का अरेंजमेंट करके आप मुझे ये बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या होगा आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है जो भी फ्रेंड्स हमारे में आज पहली बार आए आप बेटा याद रखेगा डेली आपकी रीजनिंग की दो क्लासेस होती है एक होती है आपकी फ्रेंड्स यहां पर सुबह ग्यारह बजे एक क्लास रहेगी आपके फ्रेंड्स शाम को साढ़े नौ बजे एक क्लास रहेगी सुबह ग्यारह बजे दूसरी क्लास रहेगी शाम को साढ़े नौ बजे कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करे टाइम पर क्लास में पहुंचे ताकि आप क्लास का भरपूर फायदा उठा सके यहां पर उसने सबसे पहले क्या कहा कि सबसे पहले दूध कहां से मिलेगा गाय से मिलेगा दूध कहां से मिलेगा गाय से मतलब कि सबसे पहले चार नंबर चार नंबर के बाद में आपका तो दूध दो नंबर चार दो इसमें नहीं इसमें नहीं इसमें नहीं नंबर दो दो के बाद में फिर उसको दूध को दही में कन्वर्ट करेंगे दही से उसको छाछ में कन्वर्ट करेंगे छाछ से फिर क्या प्राप्त होगा आपको फ्रेंड्स यहां पर मक्खन प्राप्त होगा मक्खन प्राप्त होगा और मक्खन से आपका फ्रेंड्स फिर क्या ये छह नंबर है ना मक्खन प्राप्त होगा और मक्खन को फिर किस में कन्वर्ट किया जाएगा घी में तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक है ना आ वो देखा होगा टिंडी का घी जो बोलते हैं अलूणा हमारे तो क्या बोलते हैं उसको अलूणा घी कहते हैं और कई जगह पर उसको टिंडी का घी कहते हैं ठीक है कई जगह पर उसको मक्खन कहते हैं तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर याद रखना है कि सबसे पहले गाय से दूध लिया जाएगा दूध को दही में कन्वर्ट करेंगे दही को फिर क्या करेंगे मथेंगे मधाणी से फिर उसके बाद में वो छाछ में कन्वर्ट होगी छाछ के ऊपर फिर क्या आएगा यहां पर मक्खन आएगा और फिर मक्खन को जब मम्मी गैस पे गर्म करती है या चूल्हे में गर्म करती है तो उसके ऊपर से वो लस्सी लस्सी है वो हट जाती है और फिर उसके अंदर से घी को निकाल लिया जाता है ठीक है तो आपका फ्रेंड्स पी क्या उससे छोटा है पी है वो क्यों से छोटा है परंतु टी से लंबा है ओके जी आर सबसे लंबा है तथा ऐसे पी से छोटा है परंतु सबसे छोटा नहीं ऐसे पी से तो छोटा है लेकिन भाई उसने क्या कह दिया कि सबसे छोटा नहीं है सबसे छोटा नहीं है ठीक है तो यहां पर क्या आ गया टी आ गया ऊंचाई के घटते क्रम में सबसे अंतिम से दूसरा कौन सा है आपको फ्रेंड्स इसकी में है ऊंचाई के घटते क्रम में सबसे अंतिम से दूसरा कौन सा है आपको फ्रेंड्स बारे में है लास्ट से सेकंड वन पूछा है तो फर्स्ट कौन सा पीछे से टी है और दूसरे पर कौन सा एस है? है तो आपका फ्रेंड्स राइट ऑप्शन हो जाएगा ठीक है ना आपका फ्रेंड्स क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एस करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि उसने क्या पूछा है अंतिम से दूसरा पूछा है ठीक है मकान अस्तबल झोपड़ी कुटिया आपको फ्रेंड्स बताना है कि इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बाकियों से अलग है इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बाकियों से अलग है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में है सभी बच्चे गौर से क्वेश्चन का आंसर निकालें क्या होगा इसका राइट आंसर वो बात है अब तो देखिए जैसे लड़के जेल लगाए लेके आते हैं और जेल लगा के फिर बालों को ऐसे ऊपर की तरफ उठाएंगे उससे है ना जैसे उनके एंटीने खड़े पहले क्या होता था गाँव के अंदर मम्मी जब घी निकालती थी ना लस्सी में से घी निकालने के बाद पे हाथ पे चिकना हो जाता ना उस चिकने को क्या करती लड़कों के सिर पे रगड़ देती और सर्दियों के अंदर तो भाई उसका ऐसा कमाल होता था घी का कि बिना जेल लगाए सारे एंटीने खड़े हो मिल जाते थे आजकल वालों को यदि घी तेल वगैरह लगाने के लिए कह दिया जा हु मेरे बाल क्या हो जाएंगे खराब हो जाएंगे बास बदबू आनी स्टार्ट हो जाएगी और पहले एंटी ने ऐसे ही खड़े कर देते थे तो वही कहते हैं ना कि सारा यहाँ पे तुम्हारे अब जी जेल वगैरह लगा के सारे के सारे ऐसे हुए रहते हैं कि दस साल का बच्चा भी यहाँ पे ये लगता है कि पर क्या अस्सी साल का बुढ़ा बना हुआ है है ना लगवाया था कभी लगवाया हुआ है क्या बाढ़ों के अंदर आपका फ्रेंड्स यहाँ पर मकान झोपड़ी और कुटिया इन तीनों में क्या रहता है मनुष्य जबकि अस्तबल में क्या रहता है घोड़ा अस्तबल में क्या रहता है घोड़ा रहता है आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सभी बच्चे याद रहे वो एक यहाँ पे हरियाणवी सॉन्ग है ना कि ना पहले वाली वाह रही ना पहले वाला पानी तो वो बात है ना सही है कहीं ना कहीं अब ना तो वो पहले वाला जैसे पहले घी निकालते थे ये कहते थे कि भाई दूध घी बेच दिया तो पूत बेच दिया लेकिन अब तो वही भैंस बाद में बच्चा दे के दूध देना स्टार्ट करती उससे पहले तो दूधिया के पास हाँ भाई दूध ले जाइए भैंस ने तो बच्चा दे दिया और दूध देना स्टार्ट कर दिया है ठीक है ना तो वही बात है कि आज ना पहले वाली हवा है ना पानी सब कुछ चेंज हो गया है आपका फ्रेंड्स देखेगा टमाटर खीरा कद्दू आलू आपको फ्रेंड्स बताना है कि इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बाकियों से अलग है आपको फ्रेंड्स क्या बताना है कि इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बाकियों से अलग है तो आपको दिया आलू आलू क्या होता है धरती के नीचे होता है आलू क्या होता है धरती के नीचे जबकि बाकी सभी हैं वो धरती के ऊपर होते हैं तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट right आंसर हो जाएगा सभी बच्चे देख लीजिएगा यदि एक भाषा में आपका friends यहां पर S -C -A -R -C -E, इसको लिखा जाता है आपका सी एस आर सी तो आपको फ्रेंड्स बताना है इस स्टेबल को हम कैसे लिए? क्या स्टेबल को हम कैसे लिखेंगे आपको फ्रेंड्स इसके बारे में सभी बच्चे गौर से कीजिएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सभी बच्चे गौर से कीजिएगा ये आपको फ्रेंड्स वर्ड दिया है इस वर्ड से आपका कन्वर्ट करके किस में बना दिया सी एस आर ए सी ई सी में कन्वर्ट कर दिया तो आपको बताना है कि स्टेबल वर्ड को हम कैसे लिख सकते हैं तो देखिए एक दो तीन चार पांच छ आपका दो एक इसके बाद में चार तीन छह पांच टी एस बी एल क्या बन गया टी एस बी एल आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें क्या किया पहले हमने देख लिया कि भाई इसी प्रकार के अल्फाबेट तो ऊपर है ऐसे ही अल्फाबेट नीचे है सिर्फ उसकी क्या की नंबरिंग के और नंबरिंग करके हमारे क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंड्स यहां पर बॉर्डर बॉर्डर को क्या लिख दिया यहां पर आपका लिखा फाइव सेवन नाइन सिक्स से फोर नाइन तो आपसे पूछ लिया ऑर्डर को आप क्या लिखे ऑर्डर को आप क्या लिखेंगे आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है यस yes, बेटे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें क्या होगा इसका राइट आंसर आपका फ्रेंड्स यहां पर देखिएगा ऑर्डर इसको लिखा सेवन नाइन सिक्स फोर नाइन सेवन नाइन सिक्स फोर नाइन ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स यहां पर क्या हो जाएगा बी का राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी बच्चे देख लीजिएगा सेवन नाइन सिक्स फोर नाइन आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर्टी सेवन का ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट बेटे आपसे क्या पूछा है कि आपका फ्रेंड्स यहाँ पर दिया थ्री नाइन फाइव सेवन फोर इसको लिख दिया आपका बेटा एक्स पी एल एम डी आपको दूसरा दे दिया जीरो एट टू सिक्स इसको लिख दिया आपका टी बी एन क्यू तो आपसे पूछ लिया कि डी बी एम टी एक्स को आप क्या लिखेंगे तो बताइए भाई फटाफट से क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट right आंसर जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक like कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद जो बच्चे हमारे बच्चे में like को लाइक like करेंगे आप देखिएगा डी डी के लिए कितना यूज करना है चार ठीक है जी बी के लिए कितना यूज करना है आठ ओके जी एम के लिए क्या यूज करना है सात आठ सात इसके बाद में के लिए क्या यूज करना है आपका फ्रेंड्स जीरो सेवन जीरो नेक्स्ट बेटा आपको दिया बछेड़ा बछेड़ा बछड़ा आपका फ्रेंड्स मुर्गी मुर्गी के बाद में क्या दे दिया यहां पर मेमना मेमने के बाद में सावक आपको फ्रेंड्स बताना है कि यहां पर फ्रेंड्स आपका कौन सा शासक नहीं सावक आपको फ्रेंड्स बताना है कि इनमें से चार ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बाकियों से अलग है सभी बच्चे गौर से कीजिएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर यह क्या है सावक यह क्या है बेटा सावक चलिए भाई बताइए ना पता भी मेरे को आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या मुर्गी मुर्गी क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी ठीक है ना मुर्गी क्या हो जाएगा राइट right आंसर हो जाएगा सभी बच्चे ध्यान से देखेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जनवरी जनवरी के बाद में आपको क्या दिया यहां पर फ्रेंड्स जुलाई जुलाई के बाद में अगस्त अगस्त के बाद में नवंबर आपको फ्रेंड्स बताना है कि इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बाकियों से अलग है सभी बच्चे ध्यान से देखेगा गौर से करें बेटा गौर से करें यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर जनवरी में कितने दिन होते हैं इकतीस दिन जुलाई में भी कितने दिन होते हैं इकतीस दिन अगस्त में भी कितने दिन होते हैं इकतीस दिन लेकिन नवंबर में कितने होते हैं तीस दिन तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नवंबर क्या हो जाएगा नवंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी बच्चे देख लीजिएगा नेक्स्ट बेटा बाजरा जो गेहूं और मूंग आपको फ्रेंड्स बताना इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बाकियों से अलग है बाजरा जो गेहूं और मूंग आपका बेटा राइट आंसर क्या होगा यदि इनको खरीफ और रवि के हिसाब से बांटें तो नहीं बढ़ सकते क्यों क्योंकि यहां पर बेटा बाजरा और गेहूं है ये दोनों रवि की फसल है ना और ये बाजरा और मूंग है यहां पर गेहूं और जो है ये तो रवि की फसल है और आपका बाजरा और मूंग है ये खरीफ की फसल है इस हिसाब से तो हम क्या नहीं कर सकते इनको नहीं बांट सकते इस हिसाब से तो क्या नहीं कर सकते इनको हम नहीं बांट सकते अब बटेंगे किस हिसाब से अब बटेंगे खाद्यान्न फसलें और आपकी दलहन फसलों के हिसाब से ठीक है ना तो बाजरा है इसके बाद में जो है और गेहूं है ये तीनों है आपकी खाद्यान्न फसलें ठीक है और आपका फ्रेंड्स मूंग क्या है दलहन फसल मूंग क्या है दलहन फसल तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मूंग क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा सभी बच्चे देख लीजिए बात समझ में आ गई कि इसको हम किसके हिसाब से बांटेंगे यहां पर इनके टाइप से बांट देंगे कि मूंग तो क्या है दलहन फसल है और बाजरा गेहूं जो है वो आपकी क्या है यहां पर खाद्यान्न फसलें तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो हो जाएगा ठीक है ना आगे कंफ्यूज कंफ्यूज होते हो? है भाई किस लिए होना है हर हर चीज चीज तो आपको बतानी पड़ेगी हर के बारे में सोचना भी पड़ेगा यदि मान लीजिए बाई दी चांस हमारा यहाँ पर जो वर्गीकरण है क्लासिफिकेशन आपका रवि यहाँ पर मान लीजिए खाद्यान्न फसलें या फिर आपकी क्या है जो दलहन फसलों के हिसाब से ना हो वहां पर रवि की फसल और खरीफ की फसल के हिसाब से हो जाए तो आपका सोचने की जरूरत है ना बेटा हम लोग कोई यहाँ पे परमिट नहीं लेके आ रहे हैं ना ही एग्जामिनर का दिमाग हमारे पास है ले भाई उससे पूछे थप्पड़ मार के हाँ बता क्या क्या पेपर के अंदर लिख के देगा जो तुम कह देते हो ना कि हाँ मैडम ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछे जाएंगे यहाँ पर हम लोग कोई एफिडेविट पे साइन करवा के नहीं लेके आए हैं एग्जामिनर के ठीक है तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर तीन रेशो में सत्ताईस परपोर्शन में आठ रेशो में कितना आएगा यहाँ पर चार रेशो में कितना आएगा आपको फ्रेंड्स इसके बारे में है बेटे ध्यान से क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर आंसर दें क्या होगा इसका राइट शबाज बेटे बहुत बढ़िया जबरदस्त आपकी स्क्रीन पर है बहुत अच्छी आपकी तैयारी है भाई इन शोर्ट्स ने भी है ना लोगों को बर्बाद कर दिया है <laughs> ना शोर्ट्स के चक्कर में सारा नेट खत्म कर देते हो फिर बाद में मैडम नेट खत्म हो गया तो भाई ऐसे क्यों देखते हो तुम लोग नेट नेट से सोर्स मत देखा करो ठीक है आप पढ़ाई देखा करो क्योंकि पढ़ाई काम आने वाली है ये जो नालायक बच्चे ऐसे काम करते हैं ना सुधर जाओ ये यस बड़े ध्यान से क्वेश्चन कांसर कीजिएगा क्या होगा इसका राइट आंसर तीन रेशों में सत्ताईस तीन की क्यूब कितनी होगी आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर सत्ताईस होगी चार की क्यूब कितनी हो जाएगी आपकी फ्रेंड्स यहां पर चौसठ हो जाएगी ठीक है तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चार की क्यूब कितनी हो जाएगी चौसठ आपका राइट आंसर हो जाएगा आपको दिया नौ नौ के बाद में ग्यारह ग्यारह के बाद में पंद्रह पंद्रह के बाद में तेईस और तेईस के बाद में क्वेश्चन मार्क आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर मैं कौन सा ऑप्शन लू कि मेरे क्वेश्चन का आंसर राइट आए सभी बच्चे गौर से कीजिएगा क्या होगा इसका राइट आंसर ऑब्जेक्शन वाला नहीं है कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उसके अंदर गौर करें बेटा गौर करें जब हम क्या करेंगे नौ में दो प्लस करेंगे नौ में दो प्लस क्या तो ग्यारह ग्यारह में चार प्लस क्या पंद्रह पंद्रह में आठ प्लस क्या तेईस और तेईस में दस प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा तेईस में दस तो प्लस नहीं होंगे क्योंकि तैतीस आना चाहिए तैतीस आपका नहीं दे रखा तो अब इसमें सोलह प्लस कर दो इसमें कितना कर दो सोलह प्लस कर दो तेईस में सोलह प्लस क्या तो तीन और छ नौ हो गया दो और एक तीन हो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा थर्टी नाइन कितना हो थर्टी नाइन आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक है ना ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यहां पर जब दस प्लस कर रहे हैं तो दस प्लस करती तो गड़बड़ घोटाला हो गया और दूसरी बात यदि दस प्लस होता तो पहले यहाँ पे छह भी तो आना था ना इस आठ से पहले क्या आना था आना था क्योंकि यहाँ पे डबल चल रहा है आठ चार दो दूनी चार चार दुणी आठ आठ दूणी सोलह ठीक है तो आपका थर्टी नाइन राइट आंसर हो जाएगा अर्थ ई ए आर टी एच को किसके रूप में लिखा जाता है आपका बेटा क्यू पी एम जेड एस के रूप में लिखते हैं तो आपसे पूछ लिया हर्ट को हम किसके रूप में लिखे हर्ट को हम कैसे लिखेंगे आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है जिन बच्चों ने लाइक like काउंट को लाइक like नहीं किया भाई फटाफट से लाइक like काउंट को लाइक like करेंगे चैनल को सब्सक्राइब एंड आइकन को प्रेस कर लेंगे शाम को साढ़े सात बजे जीके की क्लास के लिए सुबह साढ़े छह बजे जीके की क्लास के लिए दोपहर में दो बजे जीके की क्लास के लिए तैयार रहेंगे कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करे टाइम पर क्लास में पहुंचे ताकि आप क्लास का भरपूर फायदा उठा सके नकली तो मारनी है क्या मारनी है नकली तो मारनी है एच आपका क्या है एस ई क्या है क्या उ ए क्या है पी आर क्या है एम और टी क्या है आपका जड एस ए क्या एस ओ पी एम जेड एस क्या आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक है ना ऑप्शन नंबर सी आपका राइट right आंसर हो जाएगा हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर प्रेजेंट इन दिस फिगर फाइंड आउट कीजिए बेटा

कितनी है तीन है तीन और तीन कितनी होगी छह तो सीधी सीधी होगी है ना और ही आपका आंसर है तीन और तीन आए एक ऊपर वाला बॉक्स एक नीचे वाला बॉक्स यहां पर छ ही तो है जबरदस्ती मतलब कुछ भी न आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें बताओ बेटा कितनी ट्राइंगल है इस आकृति में कितनी त्रिभुज है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है क्वेश्चन yes, का आंसर कीजिएगा कि यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर कितनी ट्राइंगल है आपको इसके बारे में बताना है देखो अब पर ये वाला हिस्सा इस हिस्से को लेंगे तो एक दो तीन चार इनका डबल कर दिया तो चार दुनिया आठ तो सीधी होगी एक दो तीन चार चार ये होगी आठ और चार कितनी होगी बारह चार कितनी हो जाएगी बारह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बारा. बारा क्या हो जाएगा? Right हो जाएगा जाएगा आपका राइट आंसर देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा बारह करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी बच्चे देख लीजिएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा आपको फ्रेंड्स बताना है सब्जियां सब्जियां के बाद में भोजन भोजन के बाद में गोभी आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा वेरी गुड वेरी गुड ध्यान से कीजिएगा बहुत बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त स्क्रीन पर अच्छी आपकी तैयारी हाँ भाई पढ़ने में मजा आया कैसे लगे क्वेश्चन फटाफट से कमेंट करो एक बार सभी बच्चे एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे क्या है आज के आपके क्वेश्चन का यहाँ पर जो कितने क्वेश्चन अब तक ठीक हुए क्या आपको लगता है कि आज 120 में से 120 का टारगेट आप कंप्लीट कर पाएंगे है भाई कितने बच्चों को लगता है कि आज हमारा 120 का टारगेट है जो मैंने तुम्हें दिया था तुम 120 के टारगेट को कंप्लीट कर पाओगे कितने बच्चे को लगता है कमेंट करो एक बार तो यहां पर बेटा सबसे पहले क्या आएगा यहां पर गोभी गोभी किस में आती है सब्जियों में आती है और सब्जी किस में आती है भोजन में आती है तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्योंकि सब्जी सबसे पहले यहाँ पर जो गोभी है उसको किसके अंदर क्लासिफाई किया जाता है सब्जियों के अंदर इसके बाद में सब्जियां किस में भोजन का ही एक पार्ट है तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लगभग चलो देखते हैं उस वैन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों का सर्वाधिक उचित प्रतिनिधित्व करता है आपको दिया गणित गणित के बाद में भौतिक और भौतिक के बाद में रसायन तो आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा गणित भौतिक रसायन आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा सभी बच्चे ध्यान से कीजिएगा यदि फ्रेंड्स यहां पर देखेगा कि यदि यहां पर गणित की जगह मैं विज्ञान दे देती तो आपका फ्रेंड्स ये बन जाता विज्ञान उसमें की और रसायन ठीक है ये इस तरह से बन जाता लेकिन बेटा आपका मैथ अलग चीज है आपका फिजिक्स अलग चीज है और आपका फ्रेंड्स यहाँ पर है केमिस्ट्री अलग चीज है वो क्या है अलग चीज तो आपका राइट right आंसर क्या बनेगा ऑप्शन नंबर सी ये गणित हो गया ये भौतिक हो गया और ये आपका रसायन हो गया तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट पर ध्यान दीजिएगा आपका बेटा यहाँ पर दे दिया में। इसके बाद में आपको दे दिया चार सौ अड़तालीस और चार सौ फ्रेंड्स बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करें कि हमारे क्वेश्चन का आंसर राइट निकले क्या निकले हमारे क्वेश्चन का आंसर राइट आए आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है यस बेटे गौर से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी बच्चे कीजिएगा हाँ बिल्कुल बेटा गलत पढ़ा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, आपको नहीं। गलत लगता है तो मत पढ़िए मैंने तो नहीं कहा कि आप बेटा गलत पढ़िए ठीक है जब आपको इतना समझ में आ रहा है कि गलत पढ़ाया जा रहा है तो बेटा आप मत पढ़िए आप पढ़ लेंगे तो फिर गलत पढ़ा दिया तो दिक्कत हो जाएगी तो सभी बच्चे फटाफट से कीजिएगा आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर जहां से आपको लगता है कि सही पढ़ाया जा रहा है या आप सही खुद से पढ़ सकते हैं तो आप वहां से पढ़ लीजिए कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके अपना टाइम वेस्ट ना करें क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है आपके लिए तो नहीं है लेकिन आपके माँ बाप के लिए कीमती है क्योंकि उन्होंने इतना समय आपके ऊपर लगाया है तो वो आपसे रिजल्ट तो चाहते ही है ना देखिए बेटा जब तीन में नौ को प्लस करते हैं तो बारह बारह में नो को प्लस करते हैं तो आता है इक्कीस ठीक है चार में चार को प्लस करते हैं आठ और आठ में आठ को प्लस करते हैं तो बन जाता है सोलह चार में नौ को प्लस करते हैं तेरह तेरह में सात प्लस करते हैं तो टोटल बनता है बीस और चार में चार को प्लस करते हैं आठ और आठ में नौ को प्लस करते हैं तो बनता है टोटल सत्रह यानी कि आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी क्यों क्योंकि तो इसके अंदर जो जोड़ आ रहा है वो आ रहा है आपकी है भाज्य संख्या वो क्या आ रही है बाध्य संख्या बाकी सभी आपकी बाज्य संख्या है तो ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स क्या हो जाएगा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक है ना क्यों होगा क्योंकि यहां पर फ्रेंड्स आपका ये सारे संख्या है वो भी बाध्य संख्या आपका है वो भी भाज्य संख्या और बीस भी है आपकी भाज्य संख्या लेकिन सत्रह क्या है अभाज्य संख्या ठीक है तो ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी नेक्स्ट बेटा आपको दिया चार हजार पच्चीस सात हजार दो सौ दो छः हजार दो यहाँ पर तेईस और पाँच सठ आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या होगा जिन लाइक like like कर दिया उनका नोटिफिकेशन वक्त पर पहुंच जाए आप सभी बच्चे याद रखेगा कि प्रतिदिन सुबह नौ बजे रहेगी आपके फ्रेंड्स यहाँ पर किसकी क्लास मैथ की क्लास सभी बच्चे टाइम पर क्लास में पहुंचे क्या पहुंचे टाइम पर क्लास में पहुंचे ताकि आप क्लास का भरपूर फायदा उठा सके देखो बेटा यदि मैं इसको प्लस करूं चार में दो प्लस क्या छह छह में पांच प्लस क्या तो ग्यारह आता है सही है आगे देखिए सात में दो प्लस करूं नौ नौ में दो प्लस करूं तो भी ग्यारह आता है ये भी सही है ना छ में दो प्लस करूं आठ आठ में तीन प्लस करूं तो ग्यारह ये भी सही है लेकिन पांच में छह प्लस करूं ग्यारह तो यही बन गया एक और प्लस करती तो बनता है बारह तो पंगा कहां पर हुआ ऑप्शन नंबर डी में कहां पर हुआ में, क्योंकि यहां पर जोड़ बन रहा है आपका कितना 12. बाकी जोड़, जोड़ कितना तो आप भाई तुम अपना स्कोर कार्ड है उसको शेयर कीजिए कि आपने सिक्सटी क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आज अटेम्प्ट किए और उनमें से आपके कितने क्वेश्चन आज सही हुए ठीक है ना आपने जो बच्चा लेट आया तो उसने तो 120 नहीं किए तो आपने 120 में से जितने क्वेश्चन पर 60 क्वेश्चन में से जितना किया है उसके हिसाब से आप अपना स्कोर कार्ड है उसको लिखिए 120 में से जो बच्चा पहले क्वेश्चन के साथ जुड़ा हुआ आज तुम्हारे कितने नंबर आए ये भी बताइए ठीक है करिए भाई फटाफट से कमेंट आज मुझे ये देखना है कि हमारे ये शेर शेरणियां क्या कुछ कलाकारी करी है इन्होंने आपके जिक्के की क्लास रहेगी एक तो बेटा शाम को साढ़े बजे सा ठीक है एक क्लास रहेगी आपकी दोपहर में दो बजे और एक क्लास रहेगी सुबह आपकी यहां पर कितने बजे साढ़े छ बजे ओके okay, डन इसके बाद में मैथ्स की क्लास रहेगी आपके फ्रेंड्स यहां पर सुबह नौ बजे हिंदी की क्लास रहेगी पांच बजे और आपकी फ्रेंड्स रीजनिंग की क्लास एक रहेगी आपकी शाम को साढ़े नौ बजे और एक सुबह ग्यारह तो जो भी बच्चे आज सच में पहली बार आए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन वक्त पर पहुंच जाए आपका फ्रेंड्स को भी नोटिफिकेशन मिस ना हो और वाई लाइव क्लास बेटा अपनी एप्लीकेशन का नाम भी है आप फटाफट से अपनी एप्लीकेशन है उसे वाई लाइव क्लास को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे डाउनलोड करने के बाद में वहां पर बेटा आपकी करंट अफेयर की फ्री पीडीएफ हिंदी के फ्री मॉक टेस्ट इसके साथ ही आपके फ्रेंड्स अब तक के जो बच्चे यहाँ पर क्लासेस लेने लग रहे हैं तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको यह है कि भाई मैं पीछे की क्लासेस है उनको भी कंप्लीट करूं तो वो क्लासेस भी आपकी बेटा वहां पर डाली गई है एक जगह पर आपको सभी क्लासेस मिल जाएंगी इसके साथ ही आपकी फ्रेंड्स अब आपका फाउंडेशन बैच है उसको भी स्टार्ट करेंगे फाउंडेशन बैच के माध्यम से आपका बेस है काफी बच्चे हैं जिनको पता तो है लेकिन फिर भी वो क्या है यहाँ पर डाउट में रहते हैं उनका ये लॉजिक जो लगा देते हैं वो लॉजिक कई बार सिर के ऊपर से जाते हैं तो उन लॉजिक्स को ठीक करने के लिए भी आप लोगों के फाउंडेशन बैच को रीजनिंग का इसके साथ ही आपका फाउंडेशन बैच रहेगा यहां पर हिंदी का फाउंडेशन बैच रहेगा आपका फ्रेंड्स यहां पर जीके का तो वो भी जल्द तैयार करेंगे तो आप लोग फ्रेंड्स फटाफट से अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे पिन पॉइंट आपकी एप्लीकेशन का लिंक मैंने कर रखा है मैथ भी भाई मैं पढ़ाती हूँ ठीक है ना मैथ पढ़ाने के लिए भाई वही बात है कि टीचर मिल नहीं रहा है तो वो मैदान खुद ही संभालना पड़ेगा फिर अब सारे बच्चे कहने लगे मैडम मैथ भी कराओ मैथ भी कराओ चलो भाई मैथ भी करा देंगे तो सभी बच्चे फटाफट से लाइक काउंट को लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब एंड बैकन को प्रेस कर लेंगे फटाफट से सभी बच्चे यहाँ पर है जो चैनल पर नहीं है क्या बात भाई ये तो कमाल ही हो रखा है किसी के चौंतीस सही है किसी के पैंतालीस सही है ऐसे बात नहीं बनेगी अभी तो मतलब और मेहनत करने की जरूरत है तुम लोगों को ये सोच के चलो 110 नंबर मतलब कि पांच क्वेश्चन गलत पिचपन नंबर पिचपन क्वेश्चन सही हुए जब यहां पर पेप क्लास के अंदर साठ में से साठ ठीक करोगे ना तब ये मान के चलना कि वहां पे बीस में से तुम्हारे पंद्रह सोलह क्वेश्चन ठीक होंगे ठीक है ना जब तुम यहां पर साठ में से साठ क्वेश्चन सही करोगे दोनों रीजनिंग की क्लास में डेली तब वहां के ये मान के चलना कि वहां पर बीस में से तुम्हारे पंद्रह से अठारह क्वेश्चन के बीच में सही होंगे तो क्योंकि एक तो वहां पर समय कम दूसरा

एप्लीकेशन का मेरे को एक जगह पर ही पूरा कंटेंट मिल जाए तो एप्लीकेशन के अंदर आपकी रीजनिंग की अब तक की जितनी क्लासेस है वो सारी की सारी उसके अंदर डाली हुई है जीके की जितनी क्लासेस है वो सारी की सारी वहां पर इनरोल है इसके साथ हिंदी के अब तक जितने भी मॉक टेस्ट हुए हैं वो सभी के सभी डाले हुए हैं तो एस एस के अंदर आप लोग अब बार बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो टेंथ बेस पर पेपर है और आसानी पेपर आएगा दूसरी बात यहाँ पर फ्रेंड्स इसके अंदर अब बार जो चेंजिंग की गई है कि टाइम कम और क्वेश्चन ज़्यादा तो वो एक आपके लिए प्लस पॉइंट है कि अब की बार आपका लेवल इतना हार्ड नहीं आएगा कि आप पेपर को यहाँ पर क्या नहीं कर सकते यहाँ पर क्वालिफाई नहीं कर सकते आप बिल्कुल क्वालिफाई कर सकते हैं बस थोड़ा सा अपने दिमाग को सचेत कीजिए टाइम पर क्लासेस में आइए एप्लीकेशन को आप बेटा ज्वाइन कर लीजिए फाउंडेशन बेस्ट ताकि जैसे ही स्टार्ट हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए साथ ही बेटा आपको बता दें कि आपके जो बच्चे आज सेशन में पहली बार आए हैं और आपको बेटा हमारा पढ़ना अच्छा लगा है तो आपके लिए बेटा एसएससी जीडी की जिस प्रकार से आप जानते हैं कि डेट है वो रिलीज़ कर दी गई है कि एग्जाम डेट आपका कब है आपके बेटा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पैंतालीस दिन का समय बचा है जो बच्चे कंटिन्यूसली दो महीने से हमारे साथ एस एस की तैयारी कर रहे हैं तो उनके सामने तो इतनी दिक्कत नहीं है लेकिन जो बच्चा नया है और उसे अब अपनी प्रिपरेशन को बेहतर करना है तो इसके लिए बेटा आप लोगों के लिए यहाँ पर प्ले स्टोर पर आपका बेटा वाई एस पी लाइव क्लास वाई एस पी लाइव क्लास नाम से अपनी एप्लीकेशन उसको यहाँ पर बना दिया गया तो आप बेटा प्ले स्टोर से जाकर वाई एस पी लाइव क्लास प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे जिसके अंदर आपको फ्रेंड्स यहाँ पर जिक के जी एस करंट अफेयर इसके साथ ही आपकी बेटा यहाँ पर इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स के साथ आपको हिंदी सभी की ई बुक्स प्रोवाइड करवाई जाएंगी इसके साथ ही आप लोगों के बेटा यहाँ पर लूशन टिक्के का हिंदी का और साथ ही आपके लिए रीजनिंग के जितने भी अब तक ये रिकॉर्डिंग सेशन है वो सारे के सारे रिकॉर्डिंग सेशन आपके बेटा प्रोवाइड करवा दिए गए किसके ऊपर उस एप्लीकेशन के ऊपर जिसके लिए आपका एक छोटा सा अमाउंट यहाँ पर रखा गया फिफ्टी वन रुपीज़ लुशन जिके का यदि आप लेते हैं तो आपको बेटा फिफ्टी वन में अब तक के दो महीने में जितने भी आपके सेशन्स हुए हैं वो सारे के सारे सेशन्स मिल जाएंगे इसी प्रकार से हिंदी के आपके जितने भी सेशन्स बने वो सारे के सारे और आप लोगों के लिए बेटा रीजनिंग के जितने भी सेशन अब तक करवाए गए सभी के सभी सेशन आपको सिर्फ यहाँ पर फिफ्टी का रीजनिंग का बैच भे, है फिफ्टीन वन रुपीज का आपका हिंदी का बैच है, जो बच्चा लेना चाहता है किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं, तो नहीं है लेकिन जो बच्चा चाहता है कि भाई मुझे एक ही जगह पर सारा कंटेंट मिल जाए मुझे यूट्यूब में बार बार माथा मारी नहीं करनी पड़े मैं एक ही जगह पर अपनी तैयारी को कर सकूं ठीक है ना तो आप लोगों का फ्रेंड्स यहाँ पर उसके लिए ये बैचेज आपके बनाए गए रिकॉर्डेड सेशन रहेंगे और आपका बेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर यहाँ पर अपनी जो एप्लीकेशन उसका लिंक भी दिया गया आप वहां से उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं यदि आप यहाँ से डाउनलोड करना चाहते हैं यहाँ से कर लीजिए डायरेक्ट आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए शाम को साढ़े सात बजे रहेगी आपकी लूशन जिके की क्लास सभी बच्चे शाम को सात बजे लूशन साढ़े सात बजे लूशन जिके की क्लास के लिए तैयार रहेंगे आपका फ्रेंड्स व्हाट्सअप नंबर रहेगा नाइन फाइव वन एट 151414, जिस पर आप अपना नंबर लिखकर भेज देंगे थैंक यू लव यू जय हिंद जय भारत वंदे मातरम मिलते हैं शाम को साढ़े सात बजे लूशन जीके की क्लास के साथ सभी बच्चे पहले क्या क्लास के साथ यहां पर क्वेश्चन में पहले यहां पर क्या क्वेश्चन में क्लास के साथ साथ ही बेटा आपको बता दें कि आपको लिए, जो बच्चे आज सेशन में पहली बार आए हैं और आपको बेटा हमारा पढ़ना अच्छा लगा है तो आपके लिए बेटा एस एस की जिस प्रकार से आप जानते हैं कि डेट है वो रिलीज कर दी गई है कि एग्जाम डेट आपका कब है आपके बेटा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पैंतालीस दिन का समय बचा है जो बच्चे कंटिन्यूसली दो महीने से हमारे साथ एस एस की तैयारी कर रहे हैं तो उनके सामने तो इतनी दिक्कत नहीं है लेकिन जो बच्चा नया है और उसे अब अपनी प्रिपरेशन को बेहतर करना है तो इसके लिए बेटा आप लोगों के लिए यहाँ पर प्ले स्टोर पर आपका बेटा वाई एस पी लाइव क्लास वाई एस पी लाइव क्लास नाम से अपनी एप्लीकेशन है उसको यहाँ पर बना दिया गया तो आप बेटा प्ले स्टोर से जाकर वाई एस पी लाइव क्लास प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे जिसके अंदर आपको फ्रेंड्स यहाँ पर जिक्के जी एस करंट अफेयर इसके साथ ही आपकी बेटा यहाँ पर इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स के साथ आपको हिंदी सभी की ई e बुक्स प्रोवाइड करवाई जाएंगी इसके साथ ही आप लोगों के बेटा यहाँ पर लुसेंट जिके का हिंदी का और साथ ही आपके लिए रीजनिंग के जितने भी अब तक के रिकॉर्डिंग सेशन है वो सारे के सारे रिकॉर्डिंग सेशंस आपके बेटा प्रोवाइड करवा दिए गए किसके ऊपर उस एप्लीकेशन के ऊपर जिसके लिए आपका एक छोटा सा अमाउंट यहाँ पर रखा गया है फिफ्टी वन रूपीज लूशन जी के का यदि आप लेते हैं तो आपको बेटा फिफ्टी वन रूपीज में अब तक के दो महीने में जितने भी आपके सेशन हुए हैं वो सारे के सारे सेशन मिल जाएंगे इसी प्रकार से हिंदी के आपके जितने भी सेशन बने वो सारे के सारे और आप लोगों के लिए बेटा रीजनिंग के जितने भी सेशन